यूनिट नंबर थ्री का जो नाम है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फ्लूड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस एक बार आप सिलेबस देख लीजिए दिस इज द सिलेबस ऑफ ए के टी यू यूनिट थ्री का ये सिलेबस है हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्लूड प्रॉपर्टीज़ फ्लूड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी डिस्कस करेंगे हम जैसे कि प्रेशर डेंसिटी डायनामिक विस्कोसिटी काइनामेटिक विस्कोसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूटोनियन एंड न्यूटोनियन फ्लूइड पास्कल्स लॉ कॉन्टीनिटी इक्वेशन बर्नॉलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड पम्प्स एंड देयर क्लासीफिकेश नो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं टर्बाइन क्या होते हैं और हाइड्रोलिक पम्प क्या होते हैं और उनका क्लासीफिकेशन देन वी विल डिस्कस हाइड्रोलिक एक्यूमलेटर्स हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड देयर एप्लीकेशंस चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्लूड मैकेनिक्स का जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी जो मैटर होता है कोई भी मैटर कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है आइदर इन द सॉलिड स्टेट और इन द फ्लूड स्टेट कोई भी मैटर या तो वो सॉलिड स्टेट में रह सकता है या फिर वो फ्लूड स्टेट में रह सकता है और जो फ्लूड स्टेट है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू लिक्विड स्टेट एंड गैशस स्टेट राइट लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि कोई भी मैटर जो है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है वन इज सॉलिड सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस सॉलिड स्टेट में रह सकता है लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में रह सकता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये सॉलिड है राइट दिस इज सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स र क्लोजली पैक विद ईच अदर लिक्विड के केस में क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी और ज़्यादा दूरी पर होते हैं यानी कि वो रेंडम मोशन में होते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्लूड मैकेनिक्स क्या होता है इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं मान लीजिए कोई ये टैंक है इस टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है या कोई भी फ्लूड है ठीक है इस टैंक के अंदर कोई भी फ्लूड भरा हुआ है तो ये फ्लूड किस में है रेस्ट में है राइट ये फ्लूड किस में है रेस्ट में है तो हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर जब फ्लूड किस में होता है रेस्ट में होता है या फिर हम ये कह सकते हैं मान लीजिए ये कोई पाइप है और इस पाइप के अंदर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फ्लूइड है वो किस में है मोशन में है ठीक है मोशन में है ओके तो फ्लूइड रेस्ट में हो या फ्लूड फिर मोशन में हो जब फ्लूड रेस्ट में होता है या मोशन में होता है और हम फ्लूड के बिहेवियर की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लूड मैकेनिक्स क्या कहते हैं उसको हम फ्लूड मैकेनिक्स तो एक बार रीड करेंगे इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस फ्लूड मैकेनिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूड फ्लूड के बिहेवियर को हम डील करते हैं चाहे फ्लूड रेस्ट में हो चाहे फ्लूड मोशन में हो क्लियर है ये बात आपको फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूड को डील करते हैं फ्लूड की प्रॉपर्टीज़ को फ्लूड के बिहेवियर को हम डील करते हैं चाहे फ्लूड रेस्ट में हो चाहे फ्लूड रेस्ट में हो और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो फ्लुइड है बच्चे फ्लुइड या तो लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो गैस इस फॉर्म में हो सकता है जितने भी लिक्विड होते हैं जितने भी गैसेस होती हैं वो फ्लूड के अंदर आती हैं फ्लूड का मतलब है आइदर लिक्विड और गैस चलिए लेटे स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन में डिफाइन फ्लूड एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड पहले तो आपको फ्लूड को डिफाइन करना है और आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड राइट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था फ्लूड का मतलब है आइदर लिक्विड और गैस फ्लूड का मतलब मैंने आपको बताया था आइदर लिक्विड और गैस चलिए पहले हम फ्लूड को डिफाइन करते हैं फ्लूड में भी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस फ्लूड एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है माई डियर स्टूडेंट्स फ्लूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो हो सकता है जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है इट हैज नो डेफिनेट शेप इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है जिस भी कंटेनर में जिस भी वेसल में इसको रखा जाता है उसी की शेप को ये ऑक्यूपाई कर लेता है उसी की शेप को ये कॉन्फॉर्म्स कर लेता है अदर वर्ड्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कॉन्टीन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल और शेयर फोर्स ऐसा सब्सटेंस ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिस पर हम टेंजेंशियल या शेयर फोर्स अगर थोड़ा सा भी शेयर फोर्स या थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें तो वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होने लग जाता है मतलब फ्लो होने लग जाता है तो ऐसा सब्सटेंस फ्लूइड कहलाता है राइट अब हमको समझना है कि लिक्विड और फ्लूइड सॉरी लिक्विड और गैस दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो यहां पर आप देखिए जरा तो यहां पर मैं यू नो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करूँगा देखिए जो सॉलिड होता है सॉलिड की अपनी कोई डेफिनेट शेप हो सकती है शेप होती है इसकी और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है सॉलिड का वॉल्यूम uh, भी फिक्स होता है और इसकी शेप भी फिक्स होती है अगर मैं हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है क्योंकि ये फ्लुड है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है राइट right? इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है अगर हम गैस की बात करें तो गैस की ना तो कोई शेप होती है क्योंकि ये भी एक फ्लूड है लेकिन इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है इसका अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है राइट जैसा कि आप जहाँ पर देख पा रहे हैं आ, मान लीजिए ये वाटर भरा हुआ है लिक्विड जो है वाटर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए वाटर इज ए लिक्विड एक गिलास वाटर है ठीक है वन ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो वन ग्लास के बराबर है इसका वॉल्यूम किसके बराबर है वन ग्लास के बराबर है और इसने शेप किसकी ली हुई है गिलास की क्योंकि ये गिलास के अंदर भरा हुआ है अब इस ग्लास के वाटर को आप एक बकेट में भर दीजिए बड़ी सी बकेट में भर दीजिए तो क्या होगा आ, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी राइट अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ दी बकेट लेकिन जो बकेट है वो खाली रह जाएगी क्योंकि बकेट का वॉल्यूम ज़्यादा है बकेट का वॉल्यूम ग्लास के वॉल्यूम से ज़्यादा है ठीक है तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है वॉल्यूम होता है पर्टिकुलर यू नो किसी भी लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम फिक्स होता है जबकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है एक एग्जाम्पल से हम इसको समझें जरा गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है मान लीजिए ये एक बड़ा सा कंटेनर है एक लार्ज कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसके अंदर गैस भरी हुई है इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है राइट इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है अब ये जो बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर ये सिलेंडर रखा हुआ है उसके अंदर कुछ भी नहीं है यहां पर क्या है वैक्यूम है राइट अगर इस सिलेंडर को ओपन कर दिया जाए इस सिलेंडर को ओपन कर दिया जाए देन व्हाट विल हैपन इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई थी वो किसमें वो एक्सपेंड हो जाएगी और इस पूरे बड़े कंटेनर के अंदर भर जाएगी यानी इसकी शेप भी चेंज हो गई पहले एक छोटे सिलेंडर की शेप थी इसकी इस गैस की अब ये लार्ज कंटेनर की शेप को ले लेगा और इसका वॉल्यूम भी देखो यहां पर चेंज हो जाएगा इसका वॉल्यूम यू नो पूरे कंटेनर के बराबर हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस होती है उसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ठीक है तो ये ये एक, एक तो सिमिलरिटी है कि भाई जो गैस और लिक्विड है दोनों में से किसी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम फिक्स होता है इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है जबकि जो गैस होती है इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है ठीक है ये क्लियर है पॉइंट नौ एक और डिफरेंस यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको लिक्विड और गैस में लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं दीज आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर जबकि जो गैसेस होती हैं ये कंप्रेसिबल इन नेचर होती हैं मतलब जो गैसेस होती हैं इनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है और जो लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है राइट right, तो ये डिफरेंस है गैस एंड लिक्विड में जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड चलिए पहले हम लिक्विड को डिफाइन करें लिक्विड को डिफाइन कर लेते हैं पहले तो लिक्विड इज अ फ्लूड लिक्विड एक ऐसा फ्लूड है विच पसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है राइट right? हालांकि वो स्लाइटली वेरी कर सकता है विद टेम्परेचर एंड प्रेशर लेकिन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा ऑलमोस्ट जो लिक्विड है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा राइट right? अगर हम बात करें गैस की तो गैस इज अ फ्लूड गैस भी एक फ्लूड है लिक्विड भी एक फ्लूड है राइट तो गैस एक ऐसा फ्लूड है विच इज कंप्रेसिबल ये कंप्रेसिबल होता है जबकि मैंने आपको बताया था जो लिक्विड है ये इनकम्प्रेसिबल होता है लिक्विड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल राइट तो गैस क्या है ये कंप्रेसिबल है एंड पसेस नो डेफिनेट वॉल्यूम इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है बट इट ऑलवेज एक्सपेंड्स अंटिल इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट ऑफ द कंटेनर जिस कंटेनर के अंदर भी गैस को स्टोर किया जाता है तो ये जब तक एक्सपेंड होती रहेगी जब तक उस पूरे वॉल्यूम को ये क्या ना कर ले ऑक्यूपाई ना कर ले जैसे कि हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूड्स आर वाटर मिल्क कैरोसिन पेट्रोल और गैस तो स्टार्टिंग के जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए ये वाटर मिल्क और कैरोसिन और पेट्रोल ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लिक्विड right? के राइट और फ्लूड के अंदर गैस भी आ जाता है ठीक है तो इस तरह से हम फ्लूड को डिफाइन कर सकते हैं गैस और लिक्विड में हम डिफरेंस को समझ सकते हैं इजीली इजीली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पांच प्रॉपर्टीज़ हैं अपने सिलेबस में जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था अभी सिलेबस कौन कौन सी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करनी है फर्स्ट वन इज प्रेशर सेकंड वन इज डेंसिटी थर्ड वन इज स्पेसिफिक वेट विथ दैट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी एंड फोर्थ वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फिफ्थ वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम वन बाई वन डिस्कस करते हैं चलिए डिस्कस करते हैं पहले हम प्रेशर प्रेशर क्या होता है हम सभी जानते हैं इट इज डिफाइंड एज अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा प्रेशर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया राइट एफ अपॉन ए और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है राइट स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है ठीक है हालांकि प्रेशर के पास डायरेक्शन होती है नॉर्मल डायरेक्शन लेकिन बाय डेफिनेशन जो प्रेशर होता है ये हमेशा नॉर्मल होता है जो प्रेशर होता है ये एक्ट करता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस है ना हमेशा नॉर्मल ही होती है इसकी डायरेक्शन तो इसलिए ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है राइट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी यूनिट की अगर हम बात करें प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं वन पास्कल ठीक है इसकी यूनिट दूसरी होती है पास्कल वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक और इसकी यूनिट होती है एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारी जो बॉडी है हम एयर के अंदर हैं तो हमारे ऊपर भी क्या है एक हम भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे हमारे बॉडी जो है आ, हमारी बॉडी के सरफेस पे भी क्या लगा हुआ है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल या फिर आप इसको थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो किलो पासकल में कन्वर्ट हो जाएगा वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पासकल एक और इसकी यूनिट होती है बार और वन बार का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स टेन की पावर फाइव पास्कल या फिर टेन की पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसा कि आप एक डायग्राम इधर देख पा रहे हैं ये वाला जो डायग्राम है इससे हम समझने की कोशिश करेंगे जो प्रेशर है माय डियर स्टूडेंट्स एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है समझते हैं जरा यहां पर देखिए एक लाइन ये वाली जी सबसे नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर है जीरो ए टी एम यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है ठीक है अब जीरो लाइन से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगेगा दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलेंगे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल या अप्रॉक्सीमेट वन बार राइट right? अब देखिए एक तो ये तो हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर जो एटमोस्फेयर की वजह से लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर अगर हम प्रेशर मेजर करते हैं इस लाइन को देखिए जरा ये तो हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के जब ऊपर जाओगे तो वो कहलाएगा गेज प्रेशर क्या कहलाएगा गेज प्रेशर ध्यान रखें क्या कहलाएगा गेज प्रेशर अब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए टी एम एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर यहां पर मैं लिख देता हूं एक सेकेंड यस राइट right. मेरे पास है एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर ठीक है इन दोनों का जो एलजेबरिक सम होगा दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर ठीक है तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यह होगी सबसे नीचे जीरो लाइन लेट मी रिपीट वंस अगेन सबसे नीचे आप देखिए यह तो होगी जीरो लाइन इस जीरो लाइन के ऊपर जब आप मेजर मेजर करोगे एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ऊपर प्रेशर मेजर करना स्टार्ट करोगे दैट विल बी नोन एज गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो सम होता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर देखिए यहां तक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर गेज प्रेशर और ये वाली जो लाइन है ये बताएगी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर एक और होता है माय डियर स्टूडेंट्स वैक्यूम वैक्यूम प्रेशर मतलब निगेटिव गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब नीचे प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब नीचे का प्रेशर होता है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर कम है तो वो कहलाता है निगेटिव गेज यानी कि वैक्यूम प्रेशर क्या कहलाता है वैक्यूम प्रेशर क्लियर है बात आपको तो आपको यहां पर ध्यान रखना है बच्चे वैक्यूम प्रेशर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है गेज प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है अब एक एग्जांपल अगर मैं आपसे डेली लाइफ से पूछता हूँ ये जो आप अपनी कार के जो टायर्स होते हैं या बाइक स्कूटी के जो टायर्स होते हैं उसमें जब आप प्रेशर एयर भरवाते हो एयर को फिल कराते हो तो वो कौन सा प्रेशर आपको बताता है एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर उसका आंसर होगा गेज प्रेशर कौन सा क्या आंसर होगा उसका गेज प्रेशर ये जो गेज होता है आपको गेज प्रेशर बताता है जो टायर के अंदर आप एयर का जो प्रेशर मेजर करते हो दैट इज नोन एज द गेज प्रेशर ओके okay? चलिए तो ये आपको इतना ध्यान रखना होगा प्रेशर के बारे में नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी क्या होती है देखो इट इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का कोई पर्टिकुलर मास होगा उसकी कोई वॉल्यूम भी होगा मान लीजिए ये कोई कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर कोई एयर या कोई भी लिक्विड कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है इसका कुछ पर्टिकुलर मास है मान लीजिए टेन के जी इसका मास है और इसका वॉल्यूम है मान लीजिए यू नो फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम है फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब इसकी आपको डेंसिटी पता करनी है तो डेंसिटी बता सकते हैं आप मास अपॉन वॉल्यूम से मास कितना है दैट इज़ यू नो टेन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है फाइव हंड्रेड तो इसको जो भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डेंसिटी इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी आ जाएगी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं बच्चे डेंसिटी जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है वो डेंस कहलाता है ये क्या ज्यादा डेंस है दिस इज डेंस हाई डेंसिटी है इसकी इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं मतलब ये हुआ माई डियर स्टूडेंट्स कि जो सॉलिड होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई भी सब्सटेंस यू नो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में सॉलिड स्टेट के जो मॉलि uh, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इन जनरल मैं बात करूँ तो सॉलिड की जो डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद लिक्विड की और सबसे कम डेंसिटी होगी गैसेस की क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी इन जनरल उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैस की तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं डेंसिटी ऑफ वाटर तो वाटर की डेंसिटी हमेशा कितनी याद रखनी है आपको थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब फोर डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होगी थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो वाटर क्या है एक लिक्विड है ठीक है और एक मैंने यहाँ पर डेंसिटी लिखी है स्टील की स्टील क्या है एक सॉलिड है तो डेफिनेटली वाटर से ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी क्योंकि ये स्टील है सॉलिड है सेवन एट फाइव जीरो किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एयर क्या है गैस है तो गैस की डेंसिटी क्या होगी लिक्विड से भी कम होगी यानी कि वन पॉइंट टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है एयर की तो यह बात आप ध्यान रखें वाटर की डेंसिटी थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब एयर की डेंसिटी वन पॉइंट टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेंगे चलिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट जिसको हम वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल uh, डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम वेट वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं राइट right? तो इट इज़ डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम जैसे कि हमने बोला मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला था हमने डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है डेंसिटी यहाँ पर जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है क्या कहलाएगा स्पेसिफिक वेट अच्छा वेट कितना होता है एम वेट इज़ एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम और अभी हमने देखा यहाँ पर जो अभी हमने देखा था जो डेंसिटी होती है एम अपॉन वी होती है तो यहाँ से हम एम अपॉन वी क्या लिख सकते हैं रो एम अपॉन वी इज़ इक्वल टू रो तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा रो रोजी ठीक है और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी डब्ल्यू की स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या हो जाएगी क्योंकि ये है वेट पर यूनिट वॉल्यूम वेट पर यूनिट वॉल्यूम और वेट क्या होता है न्यूटन और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक वेट यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं एस एस इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दो डेंसिटी का रेशियो है इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द यू नो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड तो यहां पर हम लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी यू नो फ्लूड का क्या मतलब होता है फ्लूड का मतलब होता है आइदर लिक्विड और गैस आइदर लिक्विड और गैस तो बात हमको यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो स्टैंडर्ड फ्लूड है ये लिक्विड के लिए अलग हो सकता है और लिक्विड के लिए अलग हो सकता है स्टैंडर्ड फ्लूड और गैस के लिए अलग होगा तो लिक्विड के लिए क्या होगा स्टैंडर्ड फ्लूड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है यू नो लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूड होता है वो होता है वाटर ठीक है वाटर होता है और वाटर यू you नो know, कौन सा वाटर जिसकी जिसका टेम्परेचर कितना हो फोर डिग्री सेल्सियस या जिसकी डेंसिटी कितनी हो थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड फ्लूड इज वाटर स्टैंडर्ड इज वाटर इन केस ऑफ लिक्विड और अगर मान लीजिए कोई फ्लूड गैस है ठीक है तो गैस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूड होता है वो होता है एयर या फिर एच टू एयर या फिर एच टू क्या होगा स्टैंडर्ड फ्लूड होगा किसके लिए गैसेस के लिए वाटर के लिए स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होगा सॉरी लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होगा वाटर चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते हम इसको Uh, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा बच्चे इसमें कितनी चीज़ें पूछी गई थी आपसे ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पूछी गई थी प्रेशर हमने पढ़ लिया डेंसिटी हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक वेट पढ़ लिया स्पेसिफिक uh, ग्रेविटी पढ़ लिया अब है स्पेसिफिक वॉल्यूम राइट क्वेश्चन नंबर टू में हमसे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पूछा गया है तो देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है सिंपल है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स इट इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम पर यूनिट मास वॉल्यूम पर यूनिट मास वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए यह कोई एक कंटेनर है यह कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई एयर भरी हुई है कोई गैस इसके अंदर भरी हुई है राइट right? मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वो है यू uh, नो you know, 500 मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम है फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब अब इसका कुछ ना कुछ मास भी रहा होगा मान लीजिए इसका मास है टेन के जी इसका मास कितना है टेन के जी आपको टोटल वॉल्यूम पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आपको निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास टोटल वॉल्यूम कितना है फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब डिवाइडेड मास कितना है टेन के जी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका दैट इज फिफ्टी मीटर क्यूब पर के जी तो आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम अलग चीज होती है वॉल्यूम इज डिफरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफरेंट ठीक है टोटल वॉल्यूम को अगर आप मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से स्पेसिफिक वॉल्यूम राइट स्पेसिफिक वॉल्यूम ओके तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो गया फिफ्टी मीटर क्यूब पर केजी मीटर क्यूब पर केजी वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर क्यूब पर जी हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अभी हम लोगों ने पढ़ा था, के बारे में। बारे में पढ़ा था? Density. Density क्या था मास अपॉन वी यानी पर मीटर क्यूब क्या पढ़ा था हमने के पर मीटर क्यूब डेंसिटी और वॉल्यूम क्या हुआ यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर के यानी कि वी अपॉन एम तो यहाँ पर देखेंगे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू वन अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर आ, या फिर हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वन अपॉन डेंसिटी तो ध्यान रखें स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी ये एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं राइट right. वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब पर केजी डेंसिटी क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब राइट तो इस तरह से फ्लूड की ये पांच प्रॉपर्टीज हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर टू में हमने इनको इजीली डिफाइन कर लिया क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन विस्कोसिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा क्या होता है विस्कॉसिटी अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ जैसे कि यहाँ पर एक वाटर है तो वाटर की विस्कोसिटी कम है क्योंकि ये ईजिली फ़्लो हो जाता है और एक यहाँ पर देखिए सिरप है सिरप की विस्कोसिटी वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा है सिरप की विस्कोसिटी कम्पेरिजन में वाटर के कम्पेरिजन में ज़्यादा है एक्चुअली जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है घड़ापन होता है ठीक है मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ईजीली फ़्लो हो जाते हैं कुछ सब्सटेंस ईजीली फ़्लो नहीं हो पाते हैं जैसे कि हम बात करें शहद होता है तो शहद क्या होता है वो ईजिली फ़्लो नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी विस्कॉसिटी ज़्यादा है घाड़ापन इसके अंदर ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली फ्लो हो जाते हैं जो ईजिली फ़्लो हो जाते हैं उनकी विस्कॉसिटी कम होती है जो फ्लूइड ईजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं बड़ा मुश्किल होता है उनको फ़्लो करना तो वो उनकी विस्कॉसिटी ज़्यादा होती है समझते हैं कि विस्कॉसिटी है क्या विस्कॉसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं माई डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ मान लीजिए जस्ट फॉर दी पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं दो कैंडिडेट हैं एक और एक की स्पीड ज़्यादा है दौड़ने की एक की स्पीड कम है ये दोनों कैंडिडेट एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है ठीक है दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे से हाथ बंधे हुए हैं अब एक की स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है तो क्या हो रहा होगा जब दोनों एक साथ दौड़ रहे होंगे दोनों के हाथ बंधे हुए हैं तो ज़्यादा स्पीड जिसकी है उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है यानी कि इसको क्या है ये इसकी मोशन को इसको एक रेजिस्टेंस फील हो रहा होगा कि मुझे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और जिसकी स्पीड कम है इसको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई आगे की तरफ खींच रहा है उसको भी एक रजिस्टेंस फील होगा तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा एक दूसरे की मोशन क्या हो रही होगी यहाँ पर रजिस्ट हो रही होगी एक दूसरे की मोशन रजिस्ट हो रही होगी एक दूसरे की मोशन को ये रजिस्ट कर रहे होंगे इसी तरह से हम फ्लूड में भी बात करते हैं जो फ्लूइड होता है फ्लूड को हम मान के चलते हैं बच्चे कि फ्लूइड क्या है एक लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है फ्लूइड क्या है इस तरह से फ्लो हो रहा होता है इस तरह से यू you नो know, लेयर के फॉर्म में तो मैंने यहाँ पर एक एक्स एक डायरेक्शन कंसिडर कर ली जिस तरफ फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रहा है ओके नौ अब हम ये मान कर के चल रहे हैं कि बच्चे ये जो फ़्लो हो रहा है ये लेयर के फॉर्म में हो रहा है और ये जो सरफेस है नीचे ये मैंने मान लिया फिक्स सरफेस एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो फिक्स सरफेस के कॉन्टेक्ट में जो फ्लूड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी उसके ऊपर वाली लेयर जो होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर वाली की वेलोसिटी और भी ज़्यादा होगी और भी ज़्यादा इस तरह से ये हमको एक वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाती है ये हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाती है तो हम ये कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी फ्री सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी लेयर की अब इसमें से कोई भी दो लेयर अगर हम कंसिडर करें दो एडजेसेंट लेयर दो एडजेसेंट लेयर अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें मान लीजिए ये दो लेयर मैंने कंसिडर कर ली तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है निचले वाली लेयर की वेलोसिटी कम है तो ये दोनों लेयर क्या कर रही होंगी एक दूसरे की मोशन को रजिस्ट कर रही होंगी एक दूसरे की मोशन को क्या कर रही होंगी रजिस्ट कर रही होंगी और फ्लूड की जो दो एडजेंट होती हैं जब वो एक दूसरे की मोशन को रजिस्ट कर रही होती हैं वो रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या कहते हैं हम विस्कोसिटी कहते हैं क्या कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं देखो यहां पर टू एडजेंट द फ्लूड फ्लूड की दो एडजेंट लेयर रजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर फ्लूड की जो दो एडेंट लेयर्स हैं, वो एक दूसरे की मोशन को क्या करती हैं? रजिस्ट करती हैं। एंड सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी रजिस्ट करने की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक दूसरे की मोशन को रजिस्ट करने की जो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी क्या कहते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे किसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से ध्यान रखें जो विस्कोसिटी होती है हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अब आप इस डायग्राम पर ज़रा फोकस कीजिए इस डायग्राम पर फोकस कीजिए देखो वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर देखिए फ्लूइड के दो एडजेसेंट लेयर को मैंने कंसिडर किया एक लेयर ये वाली और इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी वाई तो नीचे वाली लेयर ये हो गई ऊपर वाली लेयर ये हो गई मान लीजिए जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है यू ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी यू प्लस डी यू होगी डीवाई डिस्टेंस के बाद अब मान लीजिए इसका जो टाइम है बच्चे इसका जो टाइम है डी टी टाइम में डी टी टाइम में दोनों के लिए कितना टाइम है डी टी टाइम है तो छोटे निचले वाली जो लेयर है वो डी टी टाइम में कितना मूव कर जाएगी आप सभी जानते हैं डिस्टेंस कितना मूव करेगी और स्पीड इंटू टाइम वेलोसिटी इंटू टाइम तो वेलोसिटी कितनी है यू वेलोसिटी कितनी है इसकी यू है और टाइम कितना है डी तो इतनी डिस्टेंस कवर कर जाएगी इतनी डिस्टेंस कवर करेगी डी टाइम में निचले वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्योंकि ज्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी ये डिस्टेंस कितनी थी वाई डी वाई तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी निचले वाली लेयर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कितना u प्लस डी तो होगी इसकी वेलोसिटी इन टाइम कितना है डी तो इतनी डिस्टेंस से कवर करेगी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है अब इस तरह से आप इसको इस तरह से आप एक ट्रैंगल फॉर्म कर सकते हैं लाइक like दिस तो राइट right, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यू डी टी तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी यू डी टी दिस वन दिस डिस्टेंस तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या यस yes, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई होगी ऊपर वाली यू डी टी प्लस डी यू डी टी राइट तो ये वाली ये वाली डिस्टेंस निकालनी हमको केवल ये वाली डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे माइनस कर देंगे हम इसमें से यू डी टी ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए टोटल में से इस टोटल डिस्टेंस में तो ये वाली माइनस कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगी ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी दिस वन यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ ये वाली और कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस डी यू डी टी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी डी यू डी टी अब ये जो एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एंगल कितना बन जाएगा इसको मान लीजिए एंगल डी थीटा राइट right. तो यह ऑलरेडी मैंने अलग से बना के दिखा दिया आपको पहले से ही ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये कहानी इसकी चल रही है ये डायग्राम देखिए जरा ये एंगल मैंने कितना मान लिया डी थीटा ये डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे डी यू डी टी कितनी डिस्टेंस आ गई डी यू डी टी ये एंगल कितना हो गया डी थीटा और ऑलरेडी ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है डी वाई तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से टेन डी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना है डी यू डी टी बेस कितना है इसका डी वाई राइट तो डी डी टेन डी थीटा कितना हो गया डी यू डी टी ओवर डी वाई हो गया ओके okay. आप सभी जानते हैं देखो ये फॉर्मूला मिल गया हमको टेन डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी ओवर डी वाई अब जब डी थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है आपको पता है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं तो इसी तरह से हमने यहाँ पर टेन डी थीटा को क्या लिख लिया डी थीटा तो डी थीटा हो गया बच्चे डी यू डी टी ओवर डी वाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ये फॉर्मूला आपके पास आ गया डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी यू डी टी ओवर डी वाई अब इसको एक काम कीजिए डी टी को आप इधर ले जाइए तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको डी थीटा ओवर डी टी ज इक्वल टू डी यू ओवर डीवाई यहां पर जो ये डी थीटा ओवर डी टी है इसको क्या बोलेंगे हम रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या बोलेंगे रेट रेट ऑफ ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन या फिर शेयर ये टर्म्स आगे भी यूज होगी ध्यान रखना ये टर्म्स आगे भी यूज होगी तो डी थीटा ओवर डी टी को क्या बोल दिया हमने रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और डी यू ओवर डी वाई को हमने क्या बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है जो फ्लूड की वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में किस रेट से चेंज हो रही है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई तो इतना हम ध्यान रखेंगे डी थीटा ओवर डी टी क्या हो गया बच्चे यहाँ पर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी यू ओवर डी वाई क्या हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं यहाँ से हमने देख लिया इस डायग्राम से चलिए तो विस्कोसिटी आपको क्लियर है क्या अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं विस्कोसिटी अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए आगे हम देखें जो विस्कोसिटी है माय डियर स्टूडेंट्स विस्कोसिटी का जो बेसिक कॉज है वो होता क्या है व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी तो ये आपका आंसर क्या होगा विस्क्वासिटी uh, का जो बेसिक कॉज होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स क्या होता है कोहेसिव फोर्स अब कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं कोहेसिव आपने देखा होगा एक एडिशन होता है कोहेशन होता है एक कोहैसन होता है और एक एडिशन होता है कोहेसिव फोर्स एडिशन फोर्स का आपने नाम सुना होगा तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो कहलाते हैं कोहेसिव फोर्स कोहेसन कहलाता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ठीक है जैसे कि यहाँ पर वाटर वाटर के बीच में जो यू नो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है कोहेसन है यहाँ पर वाटर का यू नो अदर मटेरियल है अदर मेटर है मेटल है उसके साथ जो फोर्स लगते हैं डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो क्या कहलाते हैं एडिशन कहलाते हैं तो यहां पर जो विस्कोसिटी का जो कॉज है वो क्या है कोहेसिव फोर्स यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल्स से, हैं उनकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो रजिस्टिंग फोर्स होता है उसी को क्या कहते हैं हम विस्कोसिटी कहते हैं क्या कहते, है? कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं नौ और ये बात आप सभी जानते हैं बिकॉज केस ऑफ लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज हाई अगर हम लिक्विड और गैस को कंपेयर करें तो लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज हाई इन यू नो एंड इन केस ऑफ गैसेज कोहेसिव फोर्स इज लेस कोहेसिव फोर्स गैसेस के कम होते हैं और कोहेसिव फोर्स ही क्या है विस्कोसिटी का कारण है इसका मतलब ये हुआ जिसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा लिक्विड के कोहेसिव फोर्स ज्यादा तो लिक्विड की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी लिक्विड की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस ध्यान रखेंगे लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि लिक्विड के कोहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गैस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है माई डियर स्टूडेंट्स देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझने से पहले कोई भी लॉ जैसे हमने पढ़ा था यूनिट नंबर वन में हुक्स लॉ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान समझिए ये आप पढ़ करके आते हैं मैथमेटिक्स में स्कूल में uh, यानी ये कौन सी एक्सिस है एक्स ये कौन सी एक्सिस है वाई तो वाई जो है मान लीजिए डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एक्स है वाई इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स वाई इज़ डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एक्स यहाँ से जब आप प्रपोर्सनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है एम एक्स आ जाता है और एम क्या है यहाँ पर यह है स्लोप ओके okay? और जब वाई एक्स का लीनियर फंक्शन है तो यहां पर जो वाई इजल टू एम एक्स वाली लाइन होती, एक होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है चलिए अब समझते हैं हम स्टेट द न्यूटन लॉफ विस्कोसिटी न्यूटन स्लॉफ विस्कोसिटी को हम समझेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है तो कहता है ये अकॉर्डिंग टू द द्यूटन लॉफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन रेट ऑफ़ शेयर डिफॉर्मेशन क्या होता है डी थीटा ओवर डी टी अभी मैंने आपको बताया था और ये जो डी थीटा ओवर डी टी होता है डी यू ओवर डी वाई के बराबर होता है डी थीटा ओवर डी टी डी यू ओवर डी वाई के बराबर होता है तो अगर आप ध्यान से देखें ये था वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यहाँ पर है टाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई तो वाई की जगह क्या आ जाएगा टाओ और एक्स की जगह आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे यहां पर एक्स एक्सिस पे डी यू ओवर डी वाई और वाई की जगह क्या रख देंगे टाओ तो यहां पर हमने डायग्राम बनाया टाओ वर्सेस डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी ना माई डियर स्टूडेंट्स तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या अभी यू नो अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन स्लॉफ विस्कोसिटी टाओ इज डायरेक्टली प्रपोज डी थीटा ओवर डी टी टाउ इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू डी यू ओवर डी वाई अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर एक प्रपोशनलिटी का साइन रिमूव करके क्या आ गया था यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आया था एम इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रपोर्सनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्रपोर्सनलिटी कॉन्स्टेंट म्यू यहाँ पर जो म्यू है बच्चे वेर म्यू इज द प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जिस जो कि एक प्रॉपर्टी है फ्लूड की एंड विच इज नोन एज विस्कॉसिटी और डायनामिक विस्कॉसिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या बोलेंगे इसको हम विस्कॉसिटी और डायनामिक विस्कॉसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज काइनामेटिक विस्कॉसिटी देखिए जो डायनामिक विस्कॉसिटी होती है डायनामिक विस्कवासिटी को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको काइनामेटिक विस्कॉसिटी काइनामेटिक विस्कवासिटी को हम लिखते हैं न्यू से राइट right? न्यू तो न्यू क्या होता है काइनामेटिक विस्क्वासिटी काइनामेटिक विस्कवासिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कवासिटी एंड डेंसिटी ओके डायनामिक विस्कवासिटी और डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो कहलाता है काइनामेटिक विस्कोसिटी काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कैसे मिल जाएगी आपको यू नो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट अब हमें पता थी हमको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी की यूनिट भी हमको पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो वहाँ से आपको मिल जाएगी एम के एस यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है आपसे डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटोनियन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को आपको डिफाइन करना है तो पहले हम देख लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है वो सारे फ्लूइड्स जो न्यूटोनियन यू नो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं न्यूटोनियन फलूड कहलाते हैं ऑल द फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटनस लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड जो भी फ्लूड्स न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे ओबे करेंगे तो हम उनको कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड और इस केस में देर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टाओ यानी कि जो शेयर स्ट्रेस है और डी थीटा ओवर डी टी है उसमें क्या होगा एक लीनियर रिलेशन होगा यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये क्या करती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं टाओ इज़ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई राइट और डी यू ओवर डी वाई को आप डी थीटा ओवर डी भी लिख डी थीटा ओवर डी टी भी लिख सकते हैं तो यहाँ से जो म्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा टाओ ओवर डी थीटा ओवर डी टी जैसे कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने बताया था एक्स तो यहाँ से वाई इजल टू कितना हो जाता है एम एक्स तो एम क्या आता है यहाँ पर स्लोप था वाई अपॉन एक्स तो यहाँ पर वाई की जगह क्या है टाओ और एक्स की जगह क्या है यहां पर डी थीटा ओवर डी टी तो टाओ अपॉन डी थीटा यानी कि टाओ अपॉन डी थीटा ओवर डी टी क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा जिसको हम क्या लिखेंगे म्यू तो म्यू क्या है टाओ डिवाइडेड बाई डी थीटा ओवर डी टी यानी कि हम ये कह सकते हैं म्यू जो है बच्चे वो स्लोप है एम की जगह क्या आ गया यहां पर म्यू तो म्यू क्या है स्लोप है जैसे एम स्लोप होता है एक्स बाई डायग्राम का इसी तरह से यहां पर जो म्यू है वो किसका स्लोप हो जाएगा टाओ डी थीटा ओवर डी टी डाइग्राम का स्लोप हो जाएगा ओके इन न्यूटोनियन फ्लूड द विस्कोसिटी डज नॉट चेंज फॉर द सेम फ्लूड न्यूटोनियन फ्लूड के लिए क्या होता है विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है विस्कोसिटी चेंज नहीं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विस्कोसिटी बनाई हुई है मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे यहाँ पर डी थी ओवर डी तो ये विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है कॉन्सटेंट है किसके लिए न्यूटोनियन फ्लूड के लिए चलिए नेक्स्ट नॉन न्यूटोनियन फलूड क्या होते हैं बच्चे नॉन जो फ्लूइड्स यू नो हु जो फ्लूड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं द फ्लूड्स विच डू नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड और यहाँ पर जो टाव और डी थीटा ओवर डी टी में क्या होता है एक लीनियर रिलेशन नहीं होता है नॉन लीनियर रिलेशन होता है तो हम डायग्राम में दिखा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर टाओ है यहाँ पर डी थीटा ओवर डीटी है ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जो पास हो रही है यहाँ पर यह क्या है ये न्यूटोनियन फ्लूड को दिखाती है और क्योंकि ये लीनियर रिलेशन होता है न्यूटोनियन फ्लूड में यहाँ पर क्या है ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड ये कौन सा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट uh, क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड आइडियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड को हम पहले समझ लेते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं पहली बात तो ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है इनकम्प्रेसिबल होते हैं हैविंग जीरो विस्कोसिटी और इनकी जो विस्कोसिटी है वो कितनी होती है जीरो जीरो विस्कोसिटी होती है आइडियल फ्लूड के केस में विस्कोसिटी अगर जीरो होगी तो बच्चे हमको पता है कि टाओ इज इक्वल टू तो कितना होता है म्यू डी थीटा ओवर डी टी जब विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी तो शेयर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी जीरो तो आइडियल फ्लूड केस में क्या हो जाएगा टाओ जो है जो शेयर स्ट्रेस है वो कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है अब जब विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी यानी कि जो शेयर स्ट्रेस है वो जीरो हो जाएगी तो यानी कि एक तरह से वाई वाई एक्स की अगर हम बात करें अगर ये एक्स और वाई है तो टाओ जीरो हो गया तो मतलब वाई जीरो हो गया वाई जीरो कहाँ पर होता है एक्स एक्सिस पर तो टाओ जीरो कहाँ पर हो जाएगा इस वाली एक्सिस पर हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी एक्सिस पर तो ये वाली जो लाइन होगी हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस पर जो हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या दिखाएगी आइडियल फ्लूड को दिखाएगी किसको दिखाएगी आइडियल फ्लूड को क्योंकि शेयर स्ट्रेस आइडियल फ्लूड की कितनी है जीरो है शेयर स्ट्रेस विस्कोसिटी कितनी है जीरो है और वास्तव में जो है आइडियल फ्लूड डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं आइडियल फ्लूड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजेंटल लाइन ऑन दाव डी थी टावर डी टी डायग्राम यहाँ पर ये यह इसको हम शो करेंगे रियल फ्लूड क्या होते हैं रियल फ्लूड वो होते हैं जिनकी विस्कॉसिटी होती है जीरो विस्कॉसिटी नहीं होती है उनके अंदर ठीक है कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स होता है फ्लूड दैट हैव हैसिटी म्यू इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि एंड देयर मोशन और नोन एज विस्कस नो रियल फ्लूड होते हैं उनका जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं हम विस्कस फ्लो कहते हैं और जो आइडियल फ्लूड का मोशन होता है वो क्या होता है नॉन विस्कस फ्लो कहलाता है तरह से हमने ये जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलिए समझते हैं पास्कल लॉ क्या होता है वॉट इज पास्कल लॉ एंड वॉट आर दी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ तो पहले हम समझेंगे स्टेटमेंट पास्कल लॉ का इन अ फ्लूड एट रेस्ट जब फ्लूड रेस्ट में होता है देन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस मतलब जब कोई फ्लूड रेस्ट में है तो प्रेशर की इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम होती है इन अ फ्लूड एट रेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस या अलग वर्ड्स में हम इस तरह से भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वैन अ सर्टेन प्रेसर इज़ अप्लाइड इन अ फ्लूड एट रेस्ट जब हम सर्टेन प्रेशर अप्लाई करते हैं जब फ्लूड रेस्ट में होता है देन द प्रेसर इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस जब फ्लूड रेस्ट में है और आप सर्टेन प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेसर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर डायरेक्शन में आप जरा इस डायग्राम पर फोकस कीजिए फोकस ऑन दिस डाइग्राम इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए एक रैम है यहाँ पर एक रैम लगी हुई है और रैम के ऊपर एक वेट रखा हुआ है और यहाँ पर एक प्लंजर है यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है प्लंजर के ऊपर प्लजर पर हमें क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर जो है लिक्विड भरा हुआ है कोई लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है तो इस लिक्विड की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा एक प्रेशर लगेगा यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर पी टू लग रहा है और यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है प्लंजर साइड में पी वन लग रहा है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हमने अभी देखा था पास्कल लॉ का स्टेटमेंट पास्कल लॉ ने हमको ये बताया कि जो प्रेशर है अगर फ्लूड रेस्ट में है तो प्रेशर क्या होता है इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर डायरेक्शन में तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो पीवन होगा वो क्या होगा पे टू के बराबर होगा पीवन पे टू दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है प्रेशर इज़ नथिंग बट इट इज़ दी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर पीवन कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर्स एफ वन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन इक्वल टू पी टू कितना हो जाएगा एफ टू अपॉन ए टू राइट तो अकॉर्डिंग टू पासक लॉ हम ये लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ टू अपॉन एफ वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन बोलो यस और नो तो दिस इज दास्कर लॉ यहां पर मैंने लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू या फिर आप लिख सकते हैं एफ टू अपॉन एफ वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ तो पास्कल लॉ के बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा गाड़ी को लिफ्ट करते हैं हम लोग तो कम फोर्स लगा करके भी हम गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप फोर्स लगाया मान लीजिए इधर आपने फोर्स लगाया टेन न्यूटन और गाड़ी का जो वेट था वो था थाउजेंड न्यूटन तो आप कम फोर्स लगा करके भी ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ तो पास्कल लॉ के क्या एप्लीकेशन होते हैं जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक जैक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक पम्प्स दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मास कंजर्वेशन दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये इक्वेशन बेस्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इधर की तरफ कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है तो जितना मास एंटर करेगा जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास क्या होगा एग्जिट होगा मास यहां से बाहर निकलेगा दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी इस पाइप के अंदर ना तो मास जनरेट हो रहा होगा और ना ही मास इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा होगा और क्या कह रहा है आगे द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट एट ऑल दी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट दी पाइप ये जो आप पाइप देख रहे हैं यहाँ पर आपने एक क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसिडर किया हुआ वन यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया हुआ है आपने टू तो यहाँ पर जो मास फ्लो रेट होगा बच्चे मास फ्लो रेट जो होगा दैट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल दी सेक्शंस यहां पर आपने दो सेक्शन माने हुए हैं आप तीन मान लीजिए चार मान लीजिए तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर क्या होगा मास फ्लो रेट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओके नाउ वॉट इज फ्लो रेट देखो फ्लो रेट क्या है कि हम फ्लो रेट को दो तरह से समझ सकते हैं एक होगा वॉल्यूम फ्लो रेट दूसरा होगा मास फ्लो रेट ओके वॉल्यूम फ्लो रेट मास फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या हुआ बच्चे वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय रेट का मतलब है इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं यानी कि सेकंड तो मीटर क्यूब पर सेकंड मीटर क्यूब पर सेकंड क्या बन जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितना मीटर क्यूब एक सेकंड में कितना मीटर क्यूब फ्लूड फ्लो हो रहा है दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड आप इसकी जरा यूनिट पर भी ध्यान दीजिए जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो कितना होगा ए इंटू वी कितना होगा ए इंटू वी ए इंटू वी इज वॉट वॉल्यूम फ्लो रेट वी क्या है यहां पर वेलोसिटी ए क्या है यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जरा आप यूनिट देख लीजिए इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए ए इंटू वी की दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड सो दिस इज वॉट ए इंटू वी ए इंटू वी इज वॉट वॉल्यूम फ्लोरेट मीटर क्यूब पर सेकेंड इसी तरह से आप समझिए जरा मास फ्लोरेट मास फ्लोरेट का मतलब क्या हुआ मास मतलब के जी और रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम यानी कि सेकेंड के जी पर सेकेंड तो के जी पर सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर यू नो मास फ्लोरेट मतलब एक सेकेंड में एक सेकेंड में कितने के जी फ्लूड फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में कितना के जी फ्लूड रहा है दैट इज मास फ्लो रेट और मास फ्लो रेट को हम कैसे लिखेंगे रो इंटू ए इंटू वी रो की यूनिट क्या होती है डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर और वी क्या होता है मीटर पर सेकेंड तो देखो यहां पर ये मीटर स्क्वायर है ये इंटू मीटर है तो मीटर क्यूब मीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यूनिट आ जाएगी इसकी के जी पर सेकेंड मास फ्लो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी के जी पर सेकेंड तो ध्यान रखें हमेशा कि जो फ्लोरेट होता है हम उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम फ्लोरेट या फिर मास फ्लोरेट वॉल्यूम फ्लोरेट कितना हो गया ए इंटू बी मीटर क्यूब पर सेकेंड और मास फ्लोरेट कितना हो गया रो इन टू ए इंटू बी दैट इज के जी पर सेकेंड नाउ माई डियर स्टूडेंट्स कंसिडर टू क्रॉस सेक्शन एज सोन इन द फिगर एक क्रॉस एक्शन आपने वन कंसिडर किया और दूसरा आपने कंसिडर किया टू ओके वी वन क्या है यहाँ पर वेलोसिटी एट द क्रॉस सेक्शन वन रो वन इज द डेंसिटी एट क्रॉस सेक्शन वन एंड ए वन इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द सेक्शन वन सिमिलरली वी टू रो टू ए टू क्या हो जाएगी क्रॉस्पॉन्डिंग करोस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो जाएंगी एट क्रॉस सेक्शन टू नाउ वाट इज द रेट फ्लो एट सेक्शन वन यहाँ पर जो फ्लो रेट होगा वो कितना हो जाएगा रो वन ए वन वी वन और टू पर कितना हो जाएगा रो टू ए टू टी टू राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास मास कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर अगर मान लीजिए मास है कितना मास फ्लोरेट कितना है एम वन यहाँ पर मास फ्लोरेट कितना है एम टू तो जितना मास एंटर होगा उतना ही मास एग्जिट होगा अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ मास तो एम वन क्या हो जाएगा एम टू के बराबर हो जाएगा एम वन इज इक्वल टू एम टू और अभी मैंने आपको बताया था एम वन क्या है यहाँ पर मास फ्लोरेट है तो मास फ्लोरेट कितना होता है रो इन टू ए इन टू वी तो एम वन कितना हो जाएगा रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू एम टू डॉट कितना हो जाएगा यानी कि मास फ्लोरेट एट क्रॉस सेक्शन टू रो टू ए टू वी टू इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट यहाँ पर मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन और होता थ्री तो हम लिख पाते यहाँ पर यू नो रो थ्री ए थ्री वी थ्री टू कॉन्स्टेंट राइट यानी कि डेंसिटी क्रॉस एक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा देट विल रिमेन कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू वॉट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू बी टू दिस इज द क्वान्टिटी इक्वेशन ये क्या है दिस इज द क्वान्टिटी इक्वेशन व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन ये कौन से फ्लूड के लिए है कंप्रेसिबल के लिए है या फिर इनकंप्रेसिबल के लिए है कंप्रेसिबल का मतलब होता है बच्चे जब डेंसिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है कंप्रेसिबल फ्लूड का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंप्रेसिबल फ्लूड का मतलब है उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये किसके लिए है कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए है इनकी डेंसिटी रोबन और रोटू क्या हो सकती है अलग अलग हो सकती हैं ओके सो ध्यान रखें ये जो इक्वेशन है जिसमें रो आता है डेंसिटी आती है ये इक्वेशन कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए है अगर मान लीजिए फ्लूड कैसा है इनकम्प्रेसिबल है कैसा फ्लूड है इनकम्प्रेसिबल तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है बच्चे इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब होता है कि जो फ्लूड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है डेंसिटी क्या होती है कॉन्स्टेंट रहती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब है जब डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है जब डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी तो क्या हो जाएगा रोवन इज इक्वल टू रो टू ये जो रो वन है ये रोटू के बराबर हो जाएगा अगर डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो रोवन रोटू से कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेशन आपकी बचेगी सिर्फ और सिर्फ Q इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू क्योंकि रो वन रो टू क्या हो गए बराबर क्यों क्योंकि जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल है तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड किसके लिए है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए है राइट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए है तो क्लियर है आपको ये बात अगर आपसे क्वेश्चन में आता लिखने के लिए कि राइट डाउन द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूड कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये वाली इक्वेशन लिखेंगे कई बार दो नंबर में टू मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द इक्वेशन राइट डाउन द कंटिन्यूट इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे अगर कहेगा राइट डाउन द कंटिन्यूट इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे राइट right, ये वाली इक्वेशन आप लिखेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए जैसे वॉटर है तो वाटर क्या है एक लिक्विड है वाटर क्या है लिक्विड होता है तो लिक्विड क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं यहां पर जितने भी लिक्विड होते हैं जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं और जितनी भी गैसेस होती हैं जितनी भी गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं कंप्रेसिबल होती हैं ठीक है तो आप ये भी कह सकते हो ये कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए मतलब गैसेस के लिए ये वाली इक्वेशन है क्योंकि गैस की डेंसिटी चेंज हो सकती है आप गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हो जो लिक्विड होते हैं जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है यानी कि जो लिक्विड होंगे यानी कि जिनकम्प्रेसिबल फ्लूड होंगे उनके लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी ओके जैसे वाटर है जैसे वाटर की बात करें तो वाटर क्या है एक लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल है वाटर की डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते वाटर की डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते तो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे जब भी वाटर की बात होगी तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बर्नॉली इक्वेशन दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट बर्नॉली इक्वेशन तो बर्नौली इक्वेशन का हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन दी बर्नौली इक्वेशन तो बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले बर्नौली इक्वेशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स फ्लूड डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड फ्लो जब फ्लूड मोशन में होता है और हम फ्लूड की स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स आपको ध्यान होगा फर्स्ट वाले लेक्चर में इसका जो फर्स्ट लेक्चर था प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स साइंस की एक वो ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लूड की स्टडी करते हैं फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं फ्लूड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं जब फ्लूड मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो फ्लूड मोशन में हो या फिर फ्लूड रेस्ट में हो तो वो होता होता है फ्लूड मैकेनिक्स वो क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है फ्लूइड डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फ्लुइड uh, जिसमें हम क्या करते हैं फ्लूड की स्टडी करते हैं जब फ्लूड किसमें होता है मोशन में होता है जब फ्लूड की स्टडी करते हैं आइदर फ्लूड इज इन मोशन और इन रेस्ट तो वो है फ्लूइड मैकेनिक्स राइट जब हम केवल बात करते हैं फ्लूड की जब फ्लूड मोशन में होता है तो वो क्या हो जाता है फ्लूड डायनामिक्स तो फ्लूड डायनामिक्स इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लुइड मैकेनिक्स चलिए अब ये जो फ्लूड मैकेनिक्स है ये जो फ्लूड मैकेनिक्स है इसको हम गवर्न करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से न्यूटन का सेकेंड लॉ आप सभी जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम एफ क्या है यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एम क्या है यहाँ पर मास ऑफ द फ्लूड एलिमेंट एंड ए इज़ वॉट टोटल एक्सेलरेशन तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू एनालाइज द फ्लूड डायनामिक्स बर्नॉली इक्वेशन को हम अब ड्राइव करने का प्रयास करेंगे डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए कुछ एजम्स हमको लिखने होते हैं दीज आर सम एजम्पन्स ऑफ बर्नौली इक्वेशंस कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए डेरिवेशन लिखने के लिए आएगा डेरिवेशन करने के लिए आएगा आपको बर्नौली इक्वेशन का तब भी आपको ये एजम्सन्स लिखने ही होंगे कई बार होता है टू मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है टू मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन दी एजम्स ऑफ बर्नौली इक्वेशन तो आपको ये एजमशन लिखने होंगे और टू मार्क्स आपको मिल जाएंगे कौन कौन से एजम्पन्स हैं बच्चे फर्स्ट वन इज अ फ्लो मस्ट बी स्टडी स्टडी फ्लो का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जब फ्लूड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जैसे मान लीजिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो डी बी ओवर डी टी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम ध्यान रखें स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जब फ्लूड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है टाइम के रेस्पेक्ट में ठीक है दूसरा जो एजम्पन है वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड कैसा होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए उसकी डेंसिटी क्या नहीं होनी चाहिए चेंज नहीं होनी चाहिए डेंसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी तीसरा है नॉन विस्कस यानी कि आइडियल यानी कि विस्कस फोर्स कितना है जीरो विस्कोसिटी कितनी है जीरो है ओके एंड जो फोर्थ एजम्पन है दैट इज़ इररोटेशनल फ्लो और फिफ्थ एजम्पन है फ्लो ओनली अलोंग द स्ट्रीम लाइन तो ये हैं इसके एजम्पसंस आप स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आप बाद में लेक्चर को खत्म होने के बाद ईजिली रिवाइज कर सकें चलिए तो ये हो गए हमारे एजम्पन्स जो बर्नॉली इक्वेशंस के हैं जो हमको डेरिवेशन लिखने से पहले डेरिवेशन को करने से पहले लिखने होंगे एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं एक फ्लूड एलिमेंट यहां पर कंसिडर कर लेते हैं लाइक like दिस ये एक हम फ्लूड एलिमेंट कंसिडर करेंगे इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं लाइक दिस, ये कोई सिलेंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया है सिलेंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट मैंने यहां पर कंसिडर किया हुआ है यहां पर एक मान लीजिए ये होगी इसकी डेटम लाइन यहां पर मैंने मान लिया डेटम लाइन बहुत इजी डेरिवेशन है बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं कोई दिक्कत का विषय नहीं है राइट right. तो इस तरह से आपने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट फ्लूड एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका मास कितना है एम इस फ्लूड एलिमेंट का मास कितना है एम है और ये मैंने मान लिया कि ये जो फ्लूड फ्लो हो रहा है अलॉन्ग दी स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है लाइक दिस ओके नाउ माई डियर स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना है मान लीजिए डी ए डी ए क्या है बच्चे यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूड एलिमेंट दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूड एलिमेंट इस फ्लूड एलिमेंट की लेंथ मान लीजिए बच्चे कितनी है डी एस इस फ्लूड एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली मैंने डी एस सिलेंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी डी एस ये हो गया यहाँ पर डेटम ये क्या हो गया डेटम रेफरेंस लाइन होगी इसकी डेटम ओके डेटम से यहां जो हाइट होगी ये जो हाइट है इतनी हाइट को हमने बोला जेड वन क्या बोला हमने इसको जेड वन ये हाइट कितनी होगी जेड वन इसी तरह से डेटम से ये वाली जो हाइट है बच्चे वो कितनी है दैट इज जेड टू दिस इज जेड टू बहुत ध्यान से समझेंगे अगर आपके पास नोटबुक है अभी पेन है तो आप इसको मेरे साथ साथ डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं राइट right, तो इस तरह से हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया है आपकी इलियड इक्वेशन जिसमें केवल दो ही फोर्स हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है प्रेशर फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड्स एक्ट करता है बोलो ये सर नो तो इस फ्लुइड एलिमेंट का जो ग्रेविटेशनल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमेशा डाउनवर्ड ही होगा और इसका फ्लूड एलिमेंट का मास कितना है m तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा एम जी मान लीजिए ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा ये एंगल कितना हो जाएगा दिस एंगल इज मान लीजिए थीटा है ओके okay? तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और एक दूसरा फोर्स कौन सा बच गया यहाँ पर अभी प्रेशर फोर्स प्रेशर फोर्स आप सभी जानते हैं प्रेशर के बारे में लेक्चर वन में मैंने आपको बताया था जो प्रेशर होता है प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ये सरफेस के हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और हमेशा सरफेस की तरफ लगता है हमेशा टूवर्ड्स दी द होता है तो यहाँ पर कितना प्रेशर है बच्चे यहाँ का प्रेशर है पी और यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा पी प्लस डी पी कितना प्रेशर हो जाएगा पी प्लस डी पी और आप सभी जानते हैं प्रेशर जो होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया यानी कि हम लिख सकते हैं प्रेशर की वजह से जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा दैट इज पी इंटू ए तो यहाँ पर अगर आप देखें इनलेट पर तो यहाँ पर जो प्रेशर की वजह से फोर्स होगा वो इस तरफ होगा टूवर्ड्स तो द सरफेस नॉर्मल टू सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल होगा और कितना होगा पी इंटू ए और एरिया कितना है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए तो पी इंटू डी ए हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर इधर की तरफ जो प्रेशर की वजह से फोर्स होगा वो भी इधर की तरफ वो इधर की तरफ होगा टू वर्ड्स दी सरफेस ध्यान रखें हमेशा जो प्रेशर होता है प्रेशर की वजह से जो फोर्स होता है टू वर्ड्स दी सरफेस होता है कितना हो जाएगा पी प्लस डी पी इंटू डी ए ठीक है तो ये हो गया हमारे दोनों हमने फोर्स दिखा दिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखा दिया और प्रेशर फोर्स भी दिखा दिया अब हम क्या करेंगे जो स्ट्रीम लाइन है इस लाइन के अलॉन्ग हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे तो इधर की तरफ मान लीजिए कितना फोर्स है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर की तरफ फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव ले लेंगे यहां पर हम एक सेकेंड प्लीज यस yes. इधर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा और इधर की तरफ जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा नेगेटिव तो यहां पर देखिए पी इंटू डी ए पॉजिटिव हो जाएगा और पी प्लस डी पी इंटू डी ए क्या हो जाएगा ये वाला जो फोर्स होगा ये हो जाएगा माइनस और ये वाला जो फोर्स होगा पी इंटू डी ये हो जाएगा प्लस तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा इलियर्स इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर फ्रॉम इलियर्स इक्वेशन इलियर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे दैट इज एफ पी प्लस एफ जी प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वॉट एम ए राइट एफ इज इक्वल टू कितना होता है टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए नो माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज दी प्रेशर फोर्स तो प्रेशर फोर्स को हम कितना लिखेंगे प्रेशर फोर्स अलॉन्ग दि स्ट्रीम लाइन इधर की तरफ कितना प्रेशर फोर्स है पी इंटू डी ए पी इन डी ए और यहाँ पर जो प्रेशर लगा हुआ है दिस वन ये कैसा है ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये इधर की तरफ लगा हुआ है तो माइनस पी प्लस डी पी इंटू डी ए तो ये तो हो गया हमारा प्रेशर फोर्स उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये किधर की तरफ लगा हुआ है एम जी डाउनवर्ड तो हमको इस लाइन के अलाग ब्रेक करना है इसको तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ दिस इज वॉट एम जी टा दिस इज वॉट एम जी कॉस्थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि ये भी लेफ्ट की तरफ है माइनस एम जी कॉस्थीटा इज इक्वल टू एम ए तो ये हमने इलियर्स इक्वेशन ने यहाँ पर अप्लाई कर दी है नाउ माई डियर स्टूडेंट्स इसको जब आप इक्वेशन को ओपन करेंगे इस इक्वेशन को जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये पी डी ए माइनस पी डी ए माइनस डी पी डी ए माइनस एम जी कॉस्थीटा इक्वल टू एम इन टू ए तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो पी डी ए पी डी ए से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो एक क्वेश्चन बचेगी आपकी माइनस के डी पी डी ए माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर जो ए है दिस इज़ टोटल एक्सल्रेशन और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे दैट इज़ ए इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एस प्लस डी वी ओवर डी टी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लो कैसा है स्टडी ये हमने एजम्सन लिया हुआ है फ्लो कैसा है स्टडी और स्टडी फ्लो का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये कितना हो जाएगा जीरो तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी वी डी वी ओवर डी एस ओके और तो ये ए की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे ए की वैल्यू कितनी ए वी डी वी ओवर डी एस ये जो एक्सेलरेशन होता है दिस इज नोन एज कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है दिस इज नोन एज द टेम्पोरल एक्सेलरेशन डी बी ओवर डी टी डी ओवर डी टी की वैल्यू स्टडी फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू मिली हमको ए सॉरी वी डी बी ओवर डी एस इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मास एम ये जो मास है एम इस मास की वैल्यू कितनी होगी बच्चे आप सभी जानते हैं मास यू नो डेंसिटी कितनी होती है एम अपॉन वी हम लोगों ने लेक्चर बन में स्टडी किया था तो यहाँ से एम कितना हो जाएगा एम इज इक्वल टू रो इंटू वी तो इस फ्लूड एलिमेंट का अगर मैं मास निकालना चाहूँ इस फ्लूड एलिमेंट का अगर मैं मास लिखना चाहूँ बच्चे तो मास कितना हो जाएगा इस फ्लूड एलिमेंट का मास कितना होता है रो इन टू वी तो रो इसकी डेंसिटी होगी और वी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि एरिया कितना है डी ए है तो एरिया एरिया कितना है डी ए और इसकी डिस्टेंस कितनी है लेंथ कितनी है डी एस तो रो इंटू डी ए इंटू डी एस क्या हो जाएगा इसका मास हो जाएगा रो इंटू वॉट डी ए इंटू डी एस ठीक है तो मास की जगह मैं कितना रख दूंगा इस इक्वेशन में मास कितना आ गया मेरा यहाँ पर मास इज इक्वल टू रो इंटू डी ए इंटू वॉट डी एस तो यहाँ पर मैं मास की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर देखिए मास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ठीक है तो मास की वैल्यू रख दीजिए और ए की वैल्यू रख दीजिए अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी माइनस डी पी डी ए माइनस रो डी ए डी एस डी ए डी एस उसके बाद ऑलरेडी uh, यहाँ पर जी कॉस थीटा लिखा हुआ है एम की वैल्यू हमने पुट कर दी और जी कॉस थीटा इक्वल टू एम एम की वैल्यू कितनी है रो डी ए डी एस ए की वैल्यू कितनी है बच्चे वी डी वी ओवर डी एस वी डी वी ओवर डी एस ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी अच्छा यहाँ से थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करने का अगर प्रयास करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना है डी है यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है तो डी ए डी से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बोलो या और नो यहाँ पर देखिए डी है यहाँ पर भी डी तो है तो डी एस डी से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारी इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर डी पी माइनस डी पी माइनस रो इन टू और यहाँ पर जी भी है तो हम जी भी लिख लेंगे डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू वी डी वी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई अब थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं बच्चे ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपका डेटम है इस डेटम से ये हाइट कितनी थी इन लेट पर जेड वन और ये हाइट कितनी थी जेड टू अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन बनाऊँ यहाँ से देखिए जेड वन से ये ये मैंने एक क्या बना दी यहाँ पर हॉर्जेंटल लाइन तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो हाइट है ये वाली हाइट कितनी होगी बच्चे दिस हाइट दिस वन ये हाइट कितनी होगी ये वाली हाइट क्या ये हाइट कित जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगी बोलो ये सर नो जेड टू माइनस जेड वन ओके ये टोटल जेड टू थी ये जेड वन थी तो ये होगी जेड टू माइनस जेड वन जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी जेड लिख सकता हूँ और इस फ्लूड एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है डी एस है अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है बच्चे तो ये एंगल पर कितना हो जाएगा थीटा तो मैं यहाँ से अलग से एक ट्रैंगल को बनाना चाहूँ तो राइट एंगल ट्राएंगल बन जाएगा देखो ये एंगल कितना नाइन्टी डिग्री है ये हो गया इसका हाइपोटेनियस ये हो गया बेस ठीक है इस तरह से देखिए ये हो गया 90 डिग्री ये लेंथ कितनी है बच्चे डी एस और ये कितनी है डी जेड और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा तो यहाँ पर हम कॉस लगा सकते हैं इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि डी जेड अपॉन डी एस तो यहाँ से क्या मैं डी जेड लिख सकता हूँ डी जेड इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं डी जेड इज इक्वल टू डी एस कॉस्थ थीटा राइट एंगल ट्रगल लगाया तो जहां पर इक्वेशन में डी एस थी डी जेड लिख सकता हूं डी जेड इज इक्वल टू डी एस थीटा मेरे को मिल गया जब मैंने ज्योमेट्री यूज की तो यहां पर देखिए इस इक्वेशन में डीएस कॉस्ट थीटा है इस डी एस कॉस्ट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं डी जेड लिख सकता हूं तो मैं लिख पाऊंगा इस इक्वेशन को माइनस के डी पी माइनस रो जी यूनो डी को डीएसटा को मैंने लिखा डी जेड ज इक्वल टू रो वी डी वी ये इक्वेशन मेरे पास आ गई बच्चे ओके अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं तो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं बच्चे यहां पर इस पूरी इक्वेशन को मैं रो से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस के डीपी अपॉन रो जब मैं रो से डिवाइड करूंगा तो यहां पर डीपी के नीचे रो आ जाएगा यहां से रो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा जी डी जेड इज इक्वल टू यहाँ से रो चला जाएगा क्योंकि रो से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया यहाँ आ जाएगा वी डी वी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी बच्चे कि डी पी अपॉन रो प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड इक्वल टू जीरो बस अब यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है ठीक है हमने कुछ नहीं किया एक सिलेंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट कंसिडर किया एक डेटम हमने मान लिया वहां से इनलेट की हाइट जेड वन यहाँ पर हाइट जेड टू मान ली इसका जो क्रॉस एक्शनल एरिया था डी ए था इस फ्लूड एलिमेंट की लेंथ कितनी थी डी एस थी यहाँ पर प्रेशर पी लगा हुआ था इधर पी प्लस डी पी लगा हुआ था और यहाँ पर इलियर्स इक्वेशन के लिए हमारे पास दो फोर्स होने चाहिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स और एक प्रेशर फोर्स हमने अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन फोर्स को बैलेंस कर लिया ठीक है तो और हमारे पास ये इक्वेशंस मिल गई ओके नाउ अब क्या करना है इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर देना है इस इक्वेशन को क्या कर देना बच्चे इंटीग्रेट कर देना है और हमको बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगी बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगी अब क्योंकि हमने मान रखा है था कि जो फ्लूड है वो कैसा था फ्लूड को हमने मान रखा था बच्चे कि ये जो फ्लूड है हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है कैसा फ्लूड है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की डेंसिटी क्या होती है बच्चे कॉन्स्टेंट होती है तो यहां पर जो इसकी डेंसिटी होगी कांस्टेंट हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन रो यू नो डी पी प्लस वी डी वी और यहां पर भी जो जी होता है वो भी कांस्टेंट होता है तो जी को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं तो हमने रोह को डेंसिटी को बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से क्योंकि रोह जो है वो कांस्टेंट है अब इसको आप क्या कर दीजिए इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रेट करेंगे तो आप सभी जानते हैं जो डी एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स ओके अब यहां पर हम लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे बच्चे प्रेशर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो P1 से P2 तक यहां पर V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो V1 से V2 तक लिमिट लगाएंगे V1 से V2 तक ये प्रेशर P1 से P2 तक और यहां पर जो Z1 से Z2 तक ठीक है इंटीग्रेट कर दीजिए इसको तो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिल जाएगा यू नो पी टू माइनस पी वन अपन रो लिमिट मैंने पुट कर दी है प्लस वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाई टू तो कितना हो जाएगा ये वन बाई टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड का जी जेड का कितना होगा जेड और लिमिट रखेंगे जेड टू माइनस जेड वन लो ये हो गया तो वाली जो टर्म्स हैं और टू तो वाली जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा आप सेपरेट कर लीजिए यहां पर सेपरेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपको इक्वेशन मिल जाएगी बच्चे यहां से पी वन अपॉन रो पी वन अपॉन रो प्लस v1 स्क्वायर वाई टू प्लस जी जेड वन या ना पी वन जो वन वाली टर्म्स है उनको अलग कर लीजिए टू वाली को अलग कर लीजिए इक्वल टू पी टू अपॉन रो प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी जेड टू ठीक है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अब एक काम कर सकते हैं हम इस पूरी इक्वेशन को जी से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को अगर आप जी से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को आप जी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ये जी खत्म हो जाएगा यहाँ से क्योंकि जे जी, जी से हमने डिवाइड कर दिया इक्वल टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया जी से डिवाइड कर दिया अब आप सभी जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो यू नो रो जी होता है वो क्या होता है डब्लू के बराबर होता है यानी कि जो स्पेसिफिक वेट डब्लू क्या होता है स्पेसिफिक वेट तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वन अपॉन रो पी वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू अपॉन डब्ल्यू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू राइट ओके इन जनरल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये क्या है ये जो इक्वेशन है ये क्या है दिस इज दी बर्नौली इक्वेशन ये भी क्या है बर्नौली इक्वेशन है और ये भी क्या है बच्चे बर्नौली इक्वेशन है और हमने देखा कि कौन कौन से एजम्पन हम बर्नौली इक्वेशन में यूज करते हैं समझते हैं पहले कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं वॉट डू मीन बाई हाइड्रोलिक मशीन्स माई डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक मशीन्स का काम क्या होता है देखो समझो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या करती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स क्या करती हैं हाइड्रोलिक मशीन या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें मैकेनिकल एनर्जी में या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी में ठीक है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स विच कन्वर्ट्स आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी को या तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी या फिर मैकेनिकल एनर्जी को यह कन्वर्ट करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी में ऐसी मशीन्स को हम क्या कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स ठीक है हाइड्रोलिक मशीन्स नाउ माय डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है व्हाट इज हाइड्रोलिक एनर्जी एनर्जी प्रोसेस्ड बाई वाटर वाटर की वजह से जो एनर्जी होती है एनर्जी प्रोसेस्ड बाई वाटर दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक एनर्जी नाउ वॉट इज मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है पावर प्रोड्यूस्ड एट द शाफ्ट एनर्जी मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है आपके पास ये कोई शाफ्ट है अगर मान लीजिए क्या, क्या कर रही है रोटेट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हमको क्या मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ध्यान रखेंगे वाटर की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी हाइड्रोलिक एनर्जी और शाफ्ट जब रोटेट कर रही होगी शाफ्ट से जो पावर प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर हाइड्रोलिक एनर्जी से कौन सी एनर्जी मिली हमको मैकेनिकल एनर्जी किसके हेल्प से मिलेगी हमको ये टर्बाइन से हाइड्रोलिक टर्बाइन से अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हम लगा देंगे यहाँ पर एक जनरेटर यहाँ पर क्या लगा देंगे हम जनरेटर तो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर और आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ध्यान से आप समझते जाइएगा चलिए अब देखिए दो तरह की मशीन्स होती हैं मैंने आपको बताया अभी हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में क्या बताया मैंने आपको हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में कि हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं तो ये दो तरह की मशीन्स हो जाती हैं बच्चे हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं वो दो तरह की मशीन्स हो जाएंगे यहाँ पर एक तो हो जाएगा टर्बाइन और दूसरा हो जाएगा पंप एक कौन सी मशीन हो जाएगी टरबाइन और दूसरे कौन से हो जाएंगी, जाएंगी? पंप तो ये जो टरबाइन है बच्चे टरबाइन क्या करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी किस में मैकेनिकल एनर्जी में हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स वो कहलाती हैं टरबाइन क्या कहलाती हैं टरबाइन देखो यहाँ पर लिखा है हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड टर्बाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किसमें मैकेनिकल एनर्जी में तो उन हाइड्रोलिक मशीन्स को हम क्या कहेंगे बच्चे टर्बाइन कहेंगे तो टर्बाइन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी जो मशीन्स हैं दूसरी जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं ये क्या करेंगी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में तो वो हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी ये क्या करेंगी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ठीक है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे पंप यूज करेंगे तो दो तरह की मशीन्स होगी यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन्स एक टर्बाइन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी और दूसरी पंप जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं एग्जाम में मत बनाना इनको दीज डायग्राम्स आर जस्ट फॉर दी पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं देखो ये जो ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं ये टर्बाइन के लिए है और ये डायग्राम किसके लिए है पंप के लिए है तो यहाँ से जो वाटर आएगा इधर हम देखेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वाटर आएगा और यहां पर जो यह ब्लेड्स हैं ये यह वाटर यहां पर स्ट्राइक करेगा और ये जो शाफ्ट है टर्बाइन की शाफ्ट क्या करेगी रोटेट करेगी ये जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या मिल जाएगी हमको मैकेनिकल एनर्जी तो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में विद हेल्प ऑफ टर्बाइन और यहाँ पर देखिए जहाँ यहाँ पर लगा दिया हमने जनरेटर अब ये जनरेटर क्या करेगा इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आपका जो बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी से आपका बल्ब जलने लग जाएगा या जो भी पर्पज जिस भी पर्पज़ के लिए आपको यूज करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप फर्दर यूज कर सकते हैं इसी तरह से ये जो निचले वाला डायग्राम है ये किसका डायग्राम है पंप का राइट कौन सा डायग्राम है ये पंप का तो इस पंप में क्या हो रहा होगा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होंगे हम हाइड्रोलिक एनर्जी में ठीक है एक्चुअली होगा क्या इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर लगी होगी इलेक्ट्रिक मोटर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में मोटर चलेगी तो क्या होगा शाफ्ट रोटेट करेगी और जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपको इसका मतलब क्या होगा मैंने आपको बताया था ना शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो कौन सी एनर्जी मिलेगी आपको मैकेनिकल एनर्जी और उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम यू नो हाइड्रोलिक एनर्जी में वाटर को हम क्या करेंगे जैसे कि आपके जो छत है घर में जो छत है उसके ऊपर भी क्या रखा है एक टैंक रखा हुआ है तो पंप लगा होगा आपके घर में ठीक है तो पंप क्या करेगा पंप जो है वाटर को लो हेड से हाई हेड ले जाएगा पंप जो है वाटर को नीचे से ऊपर लो हेड से हाई हेड ले जाएगा कैसे ले जाएगा क्योंकि पंप को चलाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर तो जब मोटर चलेगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पहले मैकेनिकल एनर्जी में और जो पंप क्या करेगा उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक एनर्जी में ठीक है हाइड्रोलिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर को लो हेड से हाई हेड वाटर को एक जगह से दूसरी जगह यू नो डिस्चार्ज करेगा पंप ठीक है तो ये हमने बात करी यहाँ पर कि हाइड्रोलिक मशीन्स दो तरह की होती हैं एक टर्बाइन और दूसरा पंप दिस इज दी जनरल ले आउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जरा समझते हैं इसको कौन कौन से इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं यहाँ पर देखिए एक तो डैम होगा यहाँ पर एक डैम है ठीक है इस डैम के हेल्प से आप क्या करेंगे वाटर को यहाँ पर रिजर्व करेंगे ओके और यहाँ पर देखिए टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है ये टरबाइन की शाफ्ट है टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी यहाँ पर ये यह देखिए टरबाइन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस विल यहाँ पर कुछ वेंस लगे वेंस मतलब ये ब्लेड्स हैं एक सीरीज है यहाँ पर ब्लेड्स की किसकी सीरीज है ब्लेड्स की पैरी फेरी पर यहाँ पर क्या है ब्लेड्स लगे हुए हैं जिनको हम वेंस कहते हैं या बकेट्स भी कह सकते हैं राइट अब देखो यहाँ पर यहाँ से वाटर आएगा और ये वाटर नोजल से पास होगा यहाँ पर एक नोजल लगी हुई है जो नोजल क्या करेगी इस वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देगी नोजल क्या करेगी इस वेलोसिटी को बढ़ा देगी हाई वेलोसिटी से यहाँ पर देखिए जो वाटर है वो स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पर किस पर स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पर तो ये ब्लेड आगे की तरफ जाएगा यानी कि ये ब्लेड्स रनर पर लगे हुए हैं तो ये रनर क्या करेगा यहाँ पर जो टर्बाइन के शाफ्ट है वो क्या कर जाएगी यहाँ पर रोटेट कर जाएगी जब टर्बाइन के शाफ्ट रोटेट कर जाएगी तो बच्चे आपको मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी करना क्या है हमको अल्टीमेटली यहाँ से जो वाटर आएगा इस डैम से जो वाटर आएगा हाई वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक कराना है कहाँ पर टरबाइन के ब्लेड्स पर यहाँ पर एक पूरी सीरीज है यहाँ पर बकेट्स की एक पूरी सीरीज है ये ब्लेड्स क्या करेंगे रोटेट करेंगे तो टरबाइन के साथ रोटेट करेगी तो आपको क्या मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी और मैकेनिकल एनर्जी को आप यू नो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर नाउ माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ध्यान दें यहाँ पर डैम से लेकर के यहाँ पर एक पाइप देख रहे हैं आप यहाँ पर दिस इज़ नॉन एज पेन स्टॉक ये जो पैसेज है ये जो चैनल है ये जो पाइप है जिस के थ्रू डैम से लेकर के वाटर डैम से लेकर के वाटर कहाँ तक जाता है टरबाइन के इनलेट तक जाता है उस पाइप का नाम है पेन स्टॉक उस पैसेज का उस चैनल का नाम क्या है पेन स्टॉक तो पेन स्टॉक क्या है एक पैसेज है एक चैनल है एक पाइप है जिसके थ्रू वाटर यहाँ से आता है और वाटर जो है स्ट्राइक करता है टर्बाइन के ब्लेड्स पर बोलो क्लियर है ये बात आपको का मतलब क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ पर करेगा वाटर को डैम से पहुंचाएगा कहां तक टर्बाइन तक ओके नाउ यहां पर देखेंगे जरा ध्यान से आप लोग यहां पर देखिए ये हेड रेस है क्या लिखा हुआ है यहां पर हेड रेस बड़े ध्यान समझेंगे ये हेड रेस है यहां पर वाटर का सरफेस है ये फ्री सरफेस जो है वाटर का जहां तक अब वाटर की हाइट अवेलेबल है इसको हम बोलेंगे हेड रेस और यहाँ पर जब वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड से और वाटर क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा नीचे तो यहाँ पर देखो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है इसको हम बोलेंगे टेल रेस आ, टेल रेस क्या बोलेंगे इसको हम टेल रेस तो एक हो गया यहाँ पर हेड रेस और एक यहाँ पर हो गया टेल रेस एक टर्मिनोलॉजी और ध्यान रखें यहाँ पर ग्रॉस हेड क्या होता है जिसको हम एच से लिखते हैं एच का मतलब है ग्रॉस हेड बच्चे क्या होगा ग्रॉस हेड ये ग्रॉस हेड क्या है बच्चे ये हेड रेस और टेल रेस का डिफरेंस है यानी कि यहाँ तक तो हो गया आपका टेल रेस यहाँ पर क्या है आपका मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पर दोबारा से यस ये जो आ ये जो लेवल है यहाँ पर ये किसका लेवल है टेल रेस का है किसका है टेल रेस और यहाँ पर क्या है हेड रेस है हेड है? रेस तो टेल रेस और हेड रेस के बीच की जो हाइट होती है जो डिफरेंस होता है हेड रेस और टेल रेस का उसी को क्या बोलते हैं हम है ग्रॉस हेड है कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम ग्रॉस हेड है कहते हैं माई डियर फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं हम ग्रॉस हेड कहते हैं हेड रेस और टेल रेस का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हेड हेड रेस नाउ अब क्योंकि डैम से लेकर के टर्बाइन के इनलेट तक जब वाटर जाएगा तो डेफिनेटली इस चैनल के अंदर इस पेन स्टॉक के अंदर क्या होगा फ्रिक्शन लॉसेस होंगे क्या होंगे फ्रिक्शन लॉसेस होंगे अगर फ्रिक्शन लॉसेस होंगे तो मान लीजिए कितने लॉस हो गए वहाँ पर देखो यहाँ पर ये यह कितने लॉस हो गए यहाँ पर एच एफ एच एफ क्या बोला मैंने फ्रिक्शन लॉस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन तो टर्बाइन के इनलेट तक पहुंचता पहुंचता इसका जो लॉस है हेड का लॉस हो जाएगा और नेट हेड आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पर नेट हेड, नेट हेड आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना अवेलेबल था ग्रॉस हेड माइनस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन हेड ग्रॉस हेड में से अगर आप माइनस कर देंगे फ्रिक्शन हेड को तो क्या मिल जाएगा आपको नेट हेड इस नेट हेड की वजह से क्या मिलेगी आपको नेट हेड की वजह से क्या मिलने वाली है पावर जो पावर प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी नेट हेड जो अवेलेबल है यहाँ पर जो नेट हेड अवेलेबल है उसकी वजह से पावर प्रोड्यूस होगी तो नेट हेड को हम क्या कह सकते हैं ये वो हेड है ये वो हेड है जो वाटर जो टरबाइन के इनलेट पर अवेलेबल है नेट हेड क्या होता है वो हेड होता है जो टरबाइन के इनलेट पर अवेलेबल होता है जब हम ग्रॉस हेड में से किसको माइनस कर देते हैं यू नो you know, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हेड को हम माइनस कर देते हैं फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं ठीक है और जो हेड है यहाँ पर किस इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर में क्योंकि एक हाइट है हम लोगों ने बर्नॉली इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये थी वर्नॉली इक्वेशन लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव करी थी तो देखो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो हेड के फॉर्म में भी हो सकती है ठीक है हेड यहाँ पर जो हेड है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर चलिए तो ये हमने बात कर ली बच्चे यहाँ पर जनरल ले ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरल ले ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सिलेबस में भी आपको दिया हुआ है साफ साफ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन मैंने आपको सिलेबस स्टार्टिंग में हमेशा दिखाता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन टर्बाइन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं आपको ध्यान आ रहा होगा आईसी इंजन आईसी इंजन की वीडियो एक अपलोड की हुई है मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि आईसी इंजन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आई इंजन को क्लासीफाई करने के कि एक होता है एस इंजन एक होता है सी इंजन ठीक है स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन यानी कि इग्नाइट कैसे होता है उसके अंदर फ्यूल अगर अब दूसरा जो तरीका था क्लासिफाई करने का हमने आइस इंजन को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है अगर पेट्रोल यूज हो रहा है तो पेट्रोल इंजन है अगर डीजल यूज हो रहा है तो डीजल इंजन है इसके बाद हमने क्लासिफाई किया था बच्चे आईसी इंजन को कि कितने स्ट्रोक्स हैं टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन और भी कई तरह से हमने क्लासिफाई किया था कि जो सिलेंडर हैं कि दो सिलेंडर हैं कि तीन सिलेंडर हैं या फिर सिलेंडर की पोजीशन क्या है हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है कि इंक्लाइंड है तो किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं माई डियर स्टूडेंट्स तो जैसे हमने आईसी इंजन को क्लासीफाई किया था देर आर सो मैनी वेज जिनके थ्रू आप आईसी इंजन को क्लासीफाई कर पाए थे उसी तरह से हम यहाँ पर टर्बाइन को भी कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं पहला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्बाइन आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट टर्बाइन के इनलेट पर टर्बाइन के इनलेट पर कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल होती है उनके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं टर्बाइन को फर्स्ट वन इम्पल्स टर्बाइन एंड सेकेंड वन इज रिएक्शन टर्बाइन ठीक है किसको कहेंगे हम इम्पल्स टर्बाइन किसको कहेंगे हम रिएक्शन टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन का मतलब बच्चे ये है की मान लो अगर टर्बाइन के इनलेट पर इफ एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन टर्बाइन के इनलेट पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है ध्यान सुनो अगर टर्बाइन के इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो ऐसे टर्बाइन को हम कहते हैं इंपल्स टर्बाइन मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे ध्यान से सुनो ऐसे टर्बाइन जिनके इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है वो कहलाते हैं इम्पल्स टर्बाइन यहाँ पर पेल्टन टर्बाइन इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है पेल्टन टर्बाइन किसका एग्जाम्पल है इम्पल्स uh, टर्बाइन का नाउ वट इज रिएक्शन टर्बाइन देखो ध्यान से अगर टर्बाइन के इनलेट पर इफ एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन अगर टर्बाइन के इनलेट पर दोनों एनर्जी अवेलेबल है काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी अगर दोनों एनर्जी अवेलेबल हैं एट द इनलेट ऑफ टरबाइन तो ऐसे टरबाइन को हम कहते हैं रिएक्शन टरबाइन अगर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है टरबाइन के इनलेट पर तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स टरबाइन इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल है पेल्टन टरबाइन और जो रिएक्शन टरबाइन है उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए यहाँ पर फ्रांसिस टर्बाइन एंड काप्लांट टर्बाइन बोलो क्लियर है ये बात आपको यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर रनर के अंदर जो वाटर जो जा रहा है वो उस यू नो वाटर की डायरेक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं टर्बाइन को इससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा यहां पर देखो ध्यान से ये है पेल्टन टर्बाइन और पेल्टन टर्बाइन की जो शाफ्ट है वो कैसी है दिस इज हॉरिजेंटल शाफ्ट ये है आपका फ्रांसिस टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन की शाफ्ट कैसी है बच्चे वर्टिकल शाफ्ट है और इसी तरह से जो कापलान टर्बाइन है इसकी शाफ्टिल कैसी है वर्टिकल शाफ्ट है यह भी इसकी वर्टिकल शाफ्ट है अगर मैं पेल्टन टर्बाइन की बात करूं फर्स्ट वाले डायग्राम की बात करूं तो यहां से देखिए नोजल से वाटर जो निकलेगा वाटर जेट स्ट्राइक करेगा टर्बाइन के ब्लेड्स पर तो यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो टेंजेंसली हो रहा है वाटर कैसे फ्लो हो रहा है टेंजेंसली ये ऑर्जेंटल शाफ्ट है तो यहां पर वाटर क्या हो रहा है टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है तो ये होगा टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन कैसा है टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन दूसरा यहां पर जो फ्रांसिस टर्बाइन है जो सेकंड वाला बीच वाला डायग्राम है यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो रेडियली फ्लो हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रेडियल फ्लो टर्बाइन यहां पर वाटर कैसा फ्लो हो रहा है रेडियल फ्लो टर्बाइन तो फ्रांसिस टर्बाइन किसका एग्जांपल है रेडियल फ्लो टर्बाइन का जो पेल्टन टर्बाइन था किसका एग्जाम्पल था टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन लास्ट वाले डायग्राम पर अगर आप फोकस करें तो यहां पर कापलान टर्बाइन के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है अलोंग तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए थे इनको बनाने की कोशिश मत करना पता लगा एग्जाम में बैठ करके आप ये डायग्राम बना रहे हो आप कलर कर दे रहे हो इसका ब्लू कलर कर दो यू नो ऐसा कुछ नहीं है दीज डायग्राम आर जस्ट फॉर दर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या करना है आपको यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं टर्बाइन को तो 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 देखो ध्यान से पहला हो सकता है अगर मान लीजिए वाटर का जो फ्लो है वो टेंजेंशियल फ्लो है तो क्या कहेंगे उसको हम टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन एग्जाम्पल है इसका पेल्टन टर्बाइन दूसरा अगर वाटर फ्लो हो रहा है रेडियली तो क्या कहेंगे उसको हम बच्चे रेडियल फ्लो टर्बाइन जैसा मैंने बीच वाला डायग्राम आपको दिखाया था फ्रांसिस टर्बाइन इसका एक एग्जाम्पल है अगर वाटर एक्सली फ्लो हो रहा है एक्सिस के अलोंग फ्लो हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको एक्जल फ्लो टर्बाइन कहेंगे और कापलान टर्बाइन और टरबाइन टर्बाइन एग्जांपल्स हैं। अगर मान लीजिए जो फ्लो है वो मिक्सड फ्लो है एग्जली uh, एंटर हो रहा है वाटर रेडियली और एग्जिट हो रहा है एग्जली मिक्स है तो उसको हम कहेंगे मिक्सड फ्लो टर्बाइन मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन का एक एक पहला जो हमने क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट दी टर्बाइन इनलेट टर्बाइन के इनलेट पर अगर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो इंपल्स टर्बाइन टर्बाइन के इनलेट पर अगर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल है तो रिएक्शन टर्बाइन ठीक है तीसरा दूसरा जो क्लासिफिकेशन था हमारा ये हो गया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन रेडियल फ्लो टर्बाइन एक्जल फ्लो टर्बाइन एंड मिक्सड फ्लो टर्बाइन थर्ड वन बात कर लेते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दी डार अकॉर्डिंग टू दी हेड अवेलेबल एट दी इनलेट ऑफ टर्बाइन टर्बाइन के इनलेट पर जो हेड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं टर्बाइन को जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर अगर आपने आपने अगर ध्यान से सुना है मेरी बात को यहाँ पर देखो जो टर्बाइन के इनलेट पर टर्बाइन के इनलेट पर जो हेड अवेलेबल uh, होता है जिसको हम नेट हेड कहते हैं तो ये जो नेट हेड है ये कितना अवेलेबल है टर्बाइन के इनलेट पर उसके अकॉर्डिंग भी हम टर्बाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं देखो अगर टरबाइन के इनलेट पर जो हेड है नेट हेड अगर अवेलेबल कितना है 150 मीटर से ज्यादा है और 2000 मीटर से कम है तो ऐसे टरबाइन को हम कहते हैं हाई हेड है टरबाइन। हेड काफी ज्यादा है तो क्या कहेंगे हाई हेड टरबाइन। पेल्टन टर्बाइन इसका एक एग्जाम्पल है हाई हेड टर्बाइन का दूसरा क्या हो जाएगा अगर नेट हेड अवेलेबल कितना है थर्टी से तो ज़्यादा है वन फिफ्टी से कम है तो इसको हम कहेंगे मीडियम हेड टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन इसका एक एग्जाम्पल है अगर हेड बहुत ही कम अवेलेबल है टर्बाइन के इनलेट पर यानी कि जो नेट हेड है वो थर्टी मीटर से भी कम है तो उसको कहा जाएगा लो हेड टर्बाइन कापलान टर्बाइन और प्रॉपरलर टर्बाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं राइट तो दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन मूव टू दी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू दिफिक स्पीड स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला लिखा हुआ है एन एस इज द स्पेसिफिक स्पीड क्या है फॉर्मूला एन स्क्वायर रूट पी डिवाइडेड बाई एच की पावर फाइव बाई फोर एच क्या है बच्चे यहां पर नेट हैड अवेलेबल इन मीटर पी क्या है यहां पर टर्बाइन पावर जो टर्बाइन से पावर प्रोड्यूस होगी और यहां पर एन क्या है ये एन इज वॉट एन इज द स्पीड ऑफ टर्बाइन इन आर पी एम तो स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड देखो यूनिट हेड के लिए यूनिट पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो टर्बाइन की स्पीड होती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफिक स्पीड हम उसको कह सकते हैं चलो तो स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग भी हमने इसको क्लासिफाई करना है अगर मान लीजिए स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन की कितनी है 50 आर से कम है 50 आर से कम है तो हम उसको कहेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन स्पीड बहुत कम है स्पेसिफिक स्पीड अगर 50 से कम है 50 आर से कम है तो हम उसको कहेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन इसका एग्जाम्पल है अगर हेड की बात करोगे तो ये हाई हेड टर्बाइन होता है ध्यान रखना जिसका हेड ज्यादा होगा जिसका हेड ज्यादा होगा ध्यान जिसका हेड, जिस टरबाइन का हेड ज्यादा उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम जिसका नेट हेड अवेलेबल ज़्यादा, उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम तो पेल्टन टरबाइन इसका स्पीड टर्बाइन जिसकी स्पेसिफिक स्पीड 50 आरपीएम से ज्यादा होगी वो 250 फिफ्टी से कम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन जिसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी टू फिफ्टी से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन कापलान टर्बाइन इसका एक एग्जाम्पल है आप चाहो तो हर एक स्लाइड का स्क्रीन भी ले सकते हो ताकि जब आपका लेक्चर ओवर होगा जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो आपके पास मुश्किल से दस बारह स्क्रीन होंगे और आप क्विकली रिवाइज़ कर सकते हैं आप पूरे लेक्चर को विद इन फाइव टू टेन मिनट्स क्विकली रिवाइज़ कर सकते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक एक स्लाइड का एक एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लेते रहें अगर आप नोटबुक आप डेफिनेटली आप नोट तो नहीं कर पा रहे होंगे तो आप स्क्रीन मोबाइल में ले सकते हैं ठीक है जैसे लेक्चर ख़त्म होगा आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अभी और भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू दी पोजिशन ऑफ शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन टर्बाइन की जो शाफ्ट होती है टर्बाइन के शाफ्ट की जो पोजिशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं टर्बाइन को जैसे हॉर्जेंटल शाफ्ट टर्बाइन एंड वर्टिकल शाफ्ट टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन जो होता है उसकी शाफ्ट हॉरिजेंटल होती है बाकी के जितने भी टर्बाइन होते हैं सबकी शाफ्ट वर्टिकल शाफ्ट होती है जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था अभी यहाँ पर देखिए ये जो पेल्टन टर्बाइन है इसकी शाफ्ट कैसी है हॉरिजेंटल और फ्रांसिस टर्बाइन की कापलन टर्बाइन की शाफ्ट कैसी है वर्टिकल है तो शाफ्ट की पोजिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम टर्बाइन को उसके अकॉर्डिंग भी हम टर्बाइन को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं अगर शाफ्ट हॉरिजेंटल है तो कहलाएंगे हॉरिजेंटल टर्बाइन हॉरिजेंटल शाफ्ट टर्बाइन टर्बाइन की शाफ्ट अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल शाफ्ट टर्बाइन पेल्टन टाइन एक ऐसा टर्बाइन है जिसकी शाफ्ट ऑरिजेंटल होती है बाकी सभी टर्बाइन की जो शाफ्ट होती है वो वर्टिकल होती है लास्ट क्लासिफिकेशन हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर जिसने ये टर्बाइन इंट्रोड्यूस किए थे उन साइंटिस्ट के नाम से भी ओरिजिनेटर के नाम से भी हम बता सकते हैं जैसे कि पेल्टन के नाम से पड़ा पेल्टन टर्बाइन या पेल्टन व्हील एक फ्रांसिस थे जिनका नाम फ्रांसिस था तो उनके नाम पे पड़ा फ्रांसिस टर्बाइन और दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन आई होप कि आप अब ये चीजें लिख सकते हैं एग्जाम में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी चलिए नेक्स्ट है बच्चे आ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा एकेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्या है क्वेश्चन क्या है टॉपिक का नाम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंपल्स टर्बाइन ध्यान से सुनो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंपल्स टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था दो तरह के टर्बाइन हो सकते हैं इंपल्स या रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट दी इनलेट ऑफ द टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है जो यू नो टर्बाइन के इनलेट पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल होगी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी तो हम यहाँ पर इम्पल्स टर्बाइन की बात करेंगे किसकी बात करने जा रहे हैं हम इम्पल्स टर्बाइन की बात करने जा रहे हैं है. कौन कौन से इसके uh, जो मेन कॉम्पोनेंट्स होंगे मेन पार्ट्स होंगे मेन पार्ट्स ऑफ द इम्पल्स टर्बाइन आर नॉजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस नंबर टू रनर एंड बकेट्स नंबर थ्री केसिंग दीज आर देन पार्ट्स ऑफ यू नो इम्पल्स uh, टर्बाइन चलो देखते हैं इसको डायग्राम जरा समझिए जरा ध्यान से डायग्राम पर जरा फोकस कीजिए ये देखो ये देखिए बच्चे यहाँ पर जरा ये हो गया पेन स्टॉक जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कहीं डैम रहा होगा यहाँ से वाटर आएगा पेन स्टॉक के थ्रू और ये जो वाटर है पहले किसके अंदर जाएगा नोजल के अंदर जाएगा किसके अंदर जाएगा नॉजल के अंदर नोजल क्या करेगा नोजल क्या करेगा इस वाटर की स्पीड को बढ़ा देगा यहाँ से देखिए ये वाटर जेट है वाटर जेट मतलब जो वाटर यहाँ से निकल रहा है वाटर की जो स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है उसको हम वाटर जेट कहते हैं ठीक है तो टर्बाइन यू नो टर्बाइन के जो ब्लेड्स हैं यहाँ पर देखेंगे आप ये टर्बाइन के ब्लेड्स हैं ये हो गया रनर आपका ये क्या हो गया रनर तो रनर एक व्हील होता है रनर एक व्हील होता है इस रनर व्हील के ऊपर क्या होते हैं इसकी पैरीफेरी पर क्या होते हैं बकेट्स कटे होते हैं बकेट्स मतलब ब्लेड्स

इस डैम के थ्रू जो वाटर आएगा पेन डैम से जो वाटर आएगा पेन स्टॉक के थ्रू ये वाटर टकराएगा कहाँ पर टर्बाइन के ब्लेड्स पर टर्बाइन के ब्लेड्स पर टकराने से पहले यहाँ जो वाटर जो है वो कहाँ से जाएगा निकल करके नोजल से नोजल क्या करेगा जो पेन स्टॉक से वाटर आ रहा था उस वाटर की जो वेलोसिटी होगी उसको इंक्रीज कर देगा आप सभी जानते हैं बच्चे आ, हमने कंटिन्यूटी क्वेश्चन पढ़ी थी बर्नौली कंटिन्यूटी क्वेश्चन पढ़ी थी हमने वाटर के लिए इनकम्प्रेसिबल के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए ए इन टू बी इजल टू वॉट कॉन्स्टेंट अगर हम एरिया को कम करते हैं बच्चे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी बोलो यस और नो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टीनिटी इक्वेशन अगर हम एरिया को कम कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है आपने देखा होगा अपने घर में भी जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के राइट वहाँ पर आपने उसमें से पानी फ्लो हो रहा है आप क्या करेंगे यहाँ पर जो जो इसका आ, आउटलेट होता है पाइप का यहाँ पर आप क्या कर देंगे इसको प्रेस कर देंगे तो क्या होगा पानी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है बोलो यस और नो आप सभी ने ये किया होगा कोई प्लास्टिक का पाइप है और उसमें से पानी फ्लो हो रहा है तो आप पाइप का मुंह पकड़ के उसको अगर प्रेस कर देंगे दबा देंगे तो क्या होगा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा तो वाटर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी ठीक है अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन तो यही काम कौन करती है नॉजल करती है यही काम नोजल क्या होती है नोजल इस तरह का एक पैसेज होता है बच्चे नोजल इस तरह का पैसेज होता है इसमें क्या करते हैं हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको ग्रेजुअली डिक्रीज कर देते हैं ठीक है तो जब एरिया को आप डिक्रीज़ करोगे तो क्या होगा वेलोसिटी इनक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है नोजल तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो क्रॉस एक्शन एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रॉस एक्शन एरिया अगर डिक्रीज़ होगा तो नोजल क्या करेगी इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगी यानी कि जो वाटर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स uh, पर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि नॉजल उस स्पीड को बढ़ा चुकी होगी अब ये हाई वेलोसिटी से अब ये हाई वेलोसिटी से क्या करेगा यहां पर टरबाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन के ब्लेड्स क्या करेंगे ये रोटेट करेंगे तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी क्योंकि ये रनर जो है ये शाफ्ट पर टरबाइन के शाफ्ट पर माउंटेड है तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपको पता है शाफ्ट रोटेट कर जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा हमको क्या मिल जाएगी बच्चे मैकेनिकल एनर्जी और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे जनरेटर लगा देंगे यहाँ पर जनरेटर की शाफ्ट टर्बाइन के शाफ्ट से हम कपल कर देंगे बोलो येस और नो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने लग जाएगी और ट्रांसफर के ट्रांसफॉर्मर के थ्रू पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं नाउ यहाँ पर देखिए एक स्पीयर और लगा हुआ है बच्चे यहाँ पर स्पीयर लगा हुआ है ये क्या होता है एक रेगुलेटिंग डिवाइस होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं यू नो कई बार क्या होता है वॉट जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी डिमांड कम होती है कई बार ज़्यादा होती है आ, आप गर्मियों में देख लीजिए दोपहर के समय बारह बजे दो बजे तीन बजे क्या हो जाता है गर्मी हो जाती है सबकी ए ऑन हो जाती है कूलर ऑन हो जाते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा डिमांड होती है तो टर्बाइन पर क्या होता है लोड बढ़ जाता है टर्बाइन के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो क्या करना पड़ेगा हमको वाटर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो वाटर की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम स्पियर की हेल्प से ये जो हैंडविल लगा हुआ है इसको रोटेट कराएंगे और ये वापस पीछे की तरफ आ जाएगा तो वाटर की सप्लाई बढ़ जाएगी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जब हमको वाटर का जो फ्लो है उसको बढ़ाना होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे स्पीयर यूज़ कर सकते हैं यू नो रेगुलेटिंग डिवाइस है ये फ्लो को कंट्रोल करती है वाटर के ठीक है तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी तो हम इसको पीछे खींच लेंगे तो वाटर की सप्लाई बढ़ जाएगी और जब लो जब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी पावर कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे वाटर की सप्लाई को यहाँ पर कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी पावर नाउ इसके बाद एक कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे केसिंग यहाँ पर देखिए केसिंग लगी हुई है अब आप मुझे बताइए जरा जब यहाँ वाटर हाई स्पीड से यहाँ पर टकराएगा वाटर यहाँ पर हाई स्पीड से क्या करेगा टकराएगा तो वाटर क्या होगा स्प्लैश हो सकता है वाटर बिखरने लग जाएगा तो वाटर बिखरे नहीं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिए केसिंग लगा दिए और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्योंकि वर्कर्स वगैरह भी इसके कॉन्टैक्ट में कराएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए और वाटर की स्प्लेसिंग को रोकने के लिए वाटर को फैलने से रोकने के लिए हमने क्या लगा दिए है यहाँ पर केसिंग लगा दी है केसिंग यहाँ पर हमने लगा दी है तो केसिंग ने क्या कर लिया इसको ये कवर कर लिया है देखो ये केसिंग लगा दी यहाँ पर इसने टबाइन को क्या कर लिया कवर कर लिया बच्चे ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टर्बाइन पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा इसकी जो वर्किंग है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है Uh, कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन uh, कर दिए हैं एक बार मेरे साथ आप रीड कर सकते हैं चाहो तो और आप स्क्रीन ले सकते हैं चलिए रीड करो मेरे साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको एक बार मैं रीड करा देता हूँ नोजल विद गाइड मैकेनिज्म क्या होता है नोजल मैंने आपको बताया नोजल का काम है बच्चे वेलोसिटी को बढ़ा देना वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा कोई एनर्जी कम हो रही होगी आप सभी जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी ना इधर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कौन करेगा इसको इंक्रीज यू नो यू नो नोजल नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना यानी कि वेलोसिटी क्या होती है हाफ ऑफ एम वी जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज

राइट right, जेट मतलब वाटर का जो जेट यहाँ पर स्टीम जो वाटर ये निकल रही है इट आल्सो रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द टरबाइन। टरबाइन की टरबाइन पर जितना भी लोड होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है वाटर के फ्लो को भी कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करेगा उसके बाद मैंने आपको बताया था रनर बच्चे ये बताया था मैंने आपको देखो रनर ठीक है तो ये हो गया रनर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं ब्लेड्स बकेट्स कटे हुए बकेट्स लगे हुए हैं माउंटेड है बकेट्स यहाँ पर जिनको हम बकेट्स uh, कह सकते हैं ब्लेड्स कह सकते हैं या फिर वेंस कह सकते हैं तो ये एक व्हील होता है रनर इज़ अ व्हील ऑफ़ टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बकेट्स ब्लेड्स वेंस माउंटेड ऑन इट्स पेरीफेरी ये होगा रनर इस रनर की पेरीफेरी पर क्या है ब्लेड्स uh, बकेट्स या फिर वेंस माउंटेड हैं चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था केसिंग ये वाला जो पोर्शन है जो वाटर की स्प्लेसिंग को रोकता है और एक्सीडेंट को अवॉइड करने से एक्सीडेंट को अवॉइड करता है ठीक है केसिंग ठीक है तो इट इज़ यूज टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड प्रिवेंट्स द स्प्लेसिंग ऑफ वाटर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए यूज़ की जाती है केसिंग और दूसरा यहाँ पर वाटर की जो स्प्लेसिंग होती है जो वाटर बिखरता है उसको रोकने के लिए इट डज़ नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन ध्यान रखें यहाँ पर अगर इम्पल्स टर्बाइन की मैं बात करूँ इम्पल्स टर्बाइन की अगर बच्चे में बात करूँ इट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो केसिंग लगी हुई है टर्बाइन की एफिशिएंसी पर या टर्बाइन के जो वर्क आउटपुट होगा उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये हाइड्रोलिक यू नो हाइड्रोलिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर एफिशिएंसी या फिर टर्बाइन का जो वर्क आउटपुट है मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे ना रिएक्शन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन की जो केसिंग होगी उसकी अलग टाइप की केसिंग होगी रिएक्शन टर्बाइन के अंदर जो केसिंग होगी वो हाइड्रोलिक फंक्शन को भी परफॉर्म करेगी वहाँ पर क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ती है वर्क आउटपुट बढ़ता है उस तरह का केसिंग वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पल्स टर्बाइन की तो इम्पल्स टर्बाइन के अंदर जो केसिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की जो स्प्लेसिंग उसको रोकने का काम करती है और एक्सीडेंट को अवॉइड करने का काम करती है कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन यहाँ पर नहीं परफॉर्म करती है केसिंग राइट right. एक चीज और यहां पर आप ध्यान रखें द प्रेशर थ्रू आउट द टर्बाइन फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट इज एटमोस्फेरिक इन केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइन क्योंकि ये जो टर्बाइन है ये इम्पल्स टर्बाइन है तो ये जो टर्बाइन आप देख रहे हैं ना ये एटमोसफेयर के, के अंदर है ये एयर के अंदर है ठीक है यहाँ पर वाटर भरा हुआ नहीं है ये एयर के अंदर है तो यहाँ पर टर्बाइन के इनलेट से लेकर के टर्बा टर्बाइन के आउटलेट तक हर जगह कौन सा प्रेशर होगा एटमोस्फिर प्रेशर होगा यही बात इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है टर्बाइन के इनलेट पर अगर ये इम्पल्स टर्बाइन है तो टर्बाइन के इनलेट से लेकर के आउटलेट तक जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा आउट यू नो एटमोस्फिरिक प्रेशर होगा चलिए नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइन देखो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंपल्स टर्बाइन या फिर रिएक्शन टर्बाइन का आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम के अंदर चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइन कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं केसिंग गाइड मैकेनिज्म रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चे ये ये डायग्राम देखिए जरा पहले ये जो इसकी केसिंग है दिस इज़ दी केसिंग ये जो आप देख रहे हैं ना ये ये इसकी केसिंग है और ये केसिंग इस्पायरल फॉर्म में है कौन सी फॉर्म में है इस्पायरल केसिंग है और लगातार देखो आप ये वाला डायग्राम आप जस्ट समझने के लिए है बनाने के लिए नहीं है आप ये वाला डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं ये वाला डायग्राम मैं रिपीट कर रहा हूँ ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं है सिर्फ समझने के लिए है राइट वाला ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं देखो यहाँ से वाटर आएगा कहाँ से आएगा वाटर पेन स्टॉक से डैम के साइड से जो वाटर आता है पेन स्टॉक के थ्रू वाटर यहाँ पर आएगा और ये है यहाँ पर केसिंग और इस्पायरल फॉर्म में है ये ठीक है तो यहाँ पर अगर आप लगातार देख पा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर जो केसिंग है इसका एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है आप सभी जानते हैं ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ होगा तो बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो जो वर्क आउटपुट है टर्बाइन का वो इंक्रीज होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी इंक्रीज होगी यही मैंने आपको बताया था अभी कि इम्पल्स टर्बाइन में जो रिए जो केसिंग है वहाँ पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एफिशिएंसी या फिर वर्क आउटपुट पर लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये स्पायरल शेप की है ये स्पायरल फॉर्म में है केसिंग तो यहाँ पर एरिया डिक्रीज़ होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा जो हाइड्रोलिक फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी यहाँ पर केसिंग ठीक है नाउ और कौन से इसके पार्ट्स हैं केसिंग मैंने आपको बता दिया उसके बाद है गाइड मैकेनिज्म और उसके बाद है इसका रनर तो इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं मैं आगे आपको समझा देता हूँ यहाँ पर देखिए जरा केसिंग को एक बार रीड कर लीजिए इन रिएक्शन टर्बाइन केसिंग एंड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर इट इज़ ऑफ स्पायरल शेप यहाँ पर जो केसिंग है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या भरा होगा वाटर भरा होगा इस यहाँ पर जो केसिंग है यहाँ पर क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है जबकि हमने बात करी थी यहाँ पर यू नो इम्पल्स टर्बाइन में तो यहाँ पर वाटर भरा हुआ नहीं था यहाँ पर सिर्फ एयर थी इसीलिए तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है ठीक है पहली बात तो ये ध्यान रखें केसिंग के अंदर क्या होगा वाटर भरा होगा दूसरा यहाँ पर है रनर यहाँ पर देखिए ये रनर है यहाँ पर लिखा हुआ है रनर ये देखिए ये वाला जो हिस्सा रनर है और यहाँ पर ये यह ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये ब्लेड्स कैसे हैं रनर के फिक्स हैं तो रनर क्या है बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया था इट इज अ व्हील ऑफ टर्बाइन विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बकेट्स ब्लेड्स वेंस माउंटेड ऑन एट्स पैरीफेरी उसी की तरह है बिल यहाँ पर भी क्या होगा ब्लेड्स वेंस या फिर बकेट्स यहाँ पर होंगे नेक्स्ट है यहाँ पर गाइड मकैनिज गाइड मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे यहाँ पर देखिए गाइड वेंस हैं ये तो हो गया आपका रन अंदर वाला जो हिस्सा है ये तो हो गया रनर और रनर ब्लेड्स रनर और रनर ब्लेड्स ठीक है ये शाफ्ट है ट्रबाइन की रोटेट करेगी यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइड मैकेनिज्म ये गाइड मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर आप देखिए गाइड मैकेनिज्म यहाँ पर कुछ गाइड बेंस हैं गाइड ब्लेड्स हैं ये ब्लेड्स जो हैं यू नो मूवेबल होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं काम क्या होता है इनका ये जो यहाँ से वाटर आएगा ना स्पायरल केसिंग के अंदर जो पेन स्टॉक से वाटर आएगा ये उस वाटर को डायरेक्ट करेंगे ये वाटर पहले कहाँ जाएगा गाइड वेंस के पास जाएगा और ये गाइड वेंस क्या करेंगी उस वाटर को डायरेक्शन देंगी उसको गाइड करेंगी ताकि वो क्या कर सके जो वाटर है वो एक सही एंगल से स्मूथली जो रनर के जो रनर के ब्लेड्स हैं स्ट्राइक कर सके ठीक है तो रनर के ब्लेड्स कैसे होंगे फिक्स्ड ब्लेड होंगे रनर के ब्लेड कैसे होंगे फिक्स्ड होंगे और जो गाइड बेन्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं ये मूवेबल होते हैं तो एक बार रीड कर लीजिए ज़रा गाइड मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर दीज यू नो द गाइड बेन्स अलाउ दी वाटर ये वाटर को अलाउ करते हैं टू स्ट्राइक द फिक्स्ड ब्लेड फिक्सड ब्लेड यानी कि जो रनर के ब्लेड्स हैं उन पर स्ट्राइक करेंगे ऑन दी रनर विदाउट शॉक एट द इनलेट बिना किसी शॉक के बिना किसी जर के स्मूथली वाटर जो है वो स्ट्राइक करना चाहिए रनर के ब्लेड्स पर कौन करेगा इस काम को गाइड बेन्स ये वाले जो बाहर वाले ब्लेड्स हैं ये मोवबल फ्लेक्सीबल ब्लेड्स हैं ठीक है जिसको हम बोल रहे हैं गाइड मैकेनिज्म चलिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी यू नो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन को हमने समझ लिया और यू नो रिएक्शन टर्बाइन को हमने समझ लिया ठीक है और आप सभी जानते हैं जो इम्पल्स टर्बाइन होता है बच्चे इम्पल्स ट्रबाइन का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है पेल्टन टर्बाइन कौन सा होता है पेल्टन टर्बाइन अगर आपसे एग्जाम में आता है लिखने के लिए पेल्टन टर्बाइन के बारे में तो आप क्या लिखेंगे इम्पल्स टर्बाइन लिखेंगे और मैंने आपको बताया था जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है फ्रांसिस टर्बाइन और कापलान टर्बाइन जो है ये किसके हैं फ्रांसिस टर्न कापलन टर्बाइन ये रिएक्शन टर्बाइन के एग्जाम्पल हैं तो फ्रांसिस टर्बाइन हो कापलन टर्बाइन अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे रिएक्शन टर्बाइन लिखेंगे अगर आपसे पूछता है पेल्टन टर्बाइन के बारे में तो आप इम्पल टर्बाइन के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को लिख लिखेंगे चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है इसका तो हाइड्रोलिक मशीन्स मैंने आपको बताया था अभी हाइड्रोलिक मशीन्स दो तरह की होती हैं एक तो यू नो टर्बाइन और दूसरा पंप ठीक है एक टरबाइन और पंप टरबाइन क्या करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हाइड्रोलिक मशीन जो दूसरे वाली होती हैं पंप होती हैं ये क्या करती हैं उल्टा हो जाता है इसमें यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में तो टर्बाइन की तो हम बात कर चुके हैं टर्बाइन की हम बात कर चुके हैं नो लेटेस्ट टॉक अबाउट दी पंप लेटेस्ट टॉक अबाउट दी पंप ओके देखो पंप ओके द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी ये क्या करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी यहां पर जो हाइड्रोलिक एनर्जी होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी ओके एंड यू नो यहाँ पर हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की और रेसिप्रोकेटिंग पंप की और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है बच्चे वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्सड वॉटेक्स फ्लो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पंप की तो यू नो देर यू नो देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ पम्प्स देट आर डिज़ाइन फॉर द वेरियस स्पेसिफिक एप्प्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बहुत यू नो कई तरह के पंप uh, बनाए जा सकते हैं हाउ एवर मोस्ट ऑफ देम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज उसमें से हम सभी जो टर्बाइन पंप होंगे उनको हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वन इज डायनामिक प्रेशर पंप एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रफ्युगल पंप की कौन से बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रफ्युगल पंप ध्यान रखें ये जो सेंट्रफ्युगल पंप है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन ये रिएक्शन टर्बाइन का जस्ट अपोजिट है ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लेकिन ध्यान रखें टर्बाइन क्या कर रहा था हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था ये क्या करेगा मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है कौन कौन से हैं इसके मेन पार्ट्स मेन पार्ट्स ऑफ दी सेंट्रफ्युगल पंप आर इम्पेलर केसिंग एंड यू नो सक्सन पाइप एंड सक्सन पाइप विद फूट वॉल्व एंड स्ट्रेनर एंड द फोर्थ वन इज डिलीवरी पाइप इनके बारे में मैं आपको समझाता हूं अभी इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है तो क्वेश्चन यहां पर किस तरह से बनेगा बच्चे यहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां पर कैसे कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ठीक है सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर इसके बाद हम देखेंगे रेसी प्रोकेटिंग पम्प तो इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए आ जाए पंप का या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप या तो फिर रेसी प्रोकेटिंग पम्प ठीक है तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चे यहां पर सेंटर फिगल पंप की देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं देखिए यहां पर पहला जो पार्ट है वो कौन सा है इम्पेलर तो यहां पर देखिए इम्पेलर है ये जो पार्ट है ना यहां पर लिखा हुआ इंपेलर है ये इम्पेलर है ये क्या है इंपेलर है बच्चे और यहां पर जो केसिंग है यहां पर देखिए लिखा हुआ है केसिंग ये केसिंग कैसी है स्पायरल शेप की केसिंग है यहां पर केसिंग कैसी है स्पायरल शेप की जैसे कि रिएक्शन टर्बाइन में थी उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यू नो केसिंग के बारे में आपको बताया दूसरा है सक्सन पाइप विद फूट वॉल्व एंड स्ट्रेनर ये देखिए ये जो है दिस इज सक्सन पाइप ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना ये सक्सन पाइप है ये कौन सा पाइप है सक्सन पाइप है और यहाँ पर देखिए फूट वॉल्व लगा हुआ है और एक स्टर्नर लगा हुआ है छलनी जिसको हम कह सकते हैं और ये हो गया वाटर संप यानी कि यहाँ से वाटर को डिस्चार्ज यहाँ से वाटर को शक करेगा ये सक्सन पाइप और फाइनली यहाँ से वाटर को शक करने के बाद इस पंप की हेल्प से इस वाटर को कहाँ ले जाएंगे हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे वाटर टैंक में जहाँ पर इसको डिस्चार्ज करना होगा वाटर को तो यहाँ से क्या करेगा वाटर को ये सक करेगा पंप और यहाँ पर इसको डिस्चार्ज कर देगा ये है डिलीवरी पाइप डिलीवरी पाइप के थ्रू क्या करेंगे हम टैंक में वाटर को डिस्चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिलीवरी पाइप रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं देखो ध्यान से ये तो हो गया वाटर संप जहाँ पर वाटर जहाँ से हमको वाटर लेना है ये हो जाएगा डिल सक्सन पाइप जो वाटर संप से वाटर को यहाँ पर सक करेगा और ये हो गया आपका इम्पेलर ये हो गया यहाँ पर इम्पेलर ये होगी हो केसिंग तो यहाँ पर भी वाटर भरा होगा केसिंग के अंदर जैसा कि रिएक्शन ट्रवाइन में देखा था ये हो गया डिलीवरी पाइप ये हो गया यहाँ पर देखिए डिलीवरी पाइप ये हो गया डिलीवरी पाइप ठीक है डिलीवरी पाइप के थ्रू हम वाटर क्या करेंगे डिस्चार्ज कर देंगे यहाँ पर ठीक है तो अब आप देखो जरा ध्यान से ये जो पंप है पंप तो आपके घर में भी लगा हुआ है इस पंप ये जो पंप है बच्चे पंप तो आपके घर में भी लगा हुआ है पंप आपके घर में भी लगा है जिस पंप की हेल्प से क्या करते हो आप नीचे से जो ना पानी निकालते हो और ऊपर अपने छत में जो टैंक छत के ऊपर जो टैंक रखा है वहाँ पर वाटर को पहुंचा देते हो तो ये पंप अपने आप तो चलेगा नहीं बच्चे पंप अपने आप तो चलेगा नहीं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक मोटर लगी होगी यहाँ पर क्या लगी होगी एक मोटर लगी होगी उस मोटर से क्या करोगे मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी और मोटर की शाफ्ट किससे कनेक्ट होगी अब पंप की शाफ्ट से कनेक्ट होगी तो यहाँ पर देखो पहले मोटर से कौन सी एनर्जी मिलेगी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में तो मोटर से हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस मैकेनिकल एनर्जी को पंप क्या करेगा यू uh, नो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एनर्जी क्लियर है बात आपको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में और पंप क्या करेगा इस मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा जैसा कि आपने देखा था टर्बाइन के अंदर टर्बाइन में इसका उल्टा था पहले हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में विद दी हेल्प ऑफ टर्बाइन और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर ले रहे थे किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर तो क्लियर है आपको ये बात नौ no. तो यहाँ पर क्या होगा मोटर से पंप चलेगी ठीक है पंप चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा एक इम्पेलर लगा हुआ है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ से जो है वाटर ये अंदर जाएगा सक्शन पाइप के थ्रू सक्शन पाइप के थ्रू ये वाटर यहाँ पर आएगा और डिलीवरी पाइप के थ्रू ये वाटर जो है जहाँ भी पहुँचाना है उसको किसी टैंक में या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं सो दिस इज़ दी सो दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पम्प एंड यू नो वर्किंग ऑफ दी सेंट्रिफ्यूगल पंप यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर देखिए ये जो सक्सन पाइप है ये जो सक्सन पाइप है बच्चे सक्सन पाइप की जो हाइट होती है यहाँ पर उसको हम कहते हैं एच एस क्या बोलते हैं इसको हम सक्सन हेड क्या कहेंगे इसको हम एच एस एच एस का मतलब है सक्सन हेड क्या बोलेंगे इसको हम सक्सन हेड इसी तरह से जो डिलीवरी पाइप है ऊपर ये जो हेड होगा इसको हम बोलेंगे डिलीवरी हेड क्या बोलेंगे इसको हम एच डी मतलब डिलीवरी हेड क्या बोलेंगे इसको हम डिलीवरी हेड ठीक है और जो एच एस यानी कि सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड का जो टोटल uh, जो सम आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल हेड क्या बोल सकते हैं उसको हम टोटल हेड चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट दैट इज़ यू नो रेसी प्रोकेटिंग पम्प रेसी प्रोकेटिंग पंप का डायग्राम बच्चे ये है ये भी इंपॉर्टेंट है समझते हैं इसको अगर आपने आईसी इंजन समझा हुआ है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको अगर आपको आईसी इंजन समझ में आता है तो इसको भी कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी देखो ये इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं रेसी प्रोकेटिंग पंप के जैसे सिलेंडर पिस्टन एंड पिस्टन रॉड क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड सक्सन पाइप सक्सन वॉल्व डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वॉल्व दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ रेसी प्रोकेटिंग पंप जरा डायग्राम पे ध्यान से फोकस करें ये आपका डायग्राम है तो ये तो हो गया यहाँ पर देखिए संप यहां पर जो है वाटर भरा हुआ है यहां से वाटर को निकालना है और इधर यहां पर डिस्चार्ज कर देना है राइट right? ये हो गया एक सिलेंडर ये हो गया एक सिलेंडर यहाँ पर यह हो गया पिस्टन यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका पिस्टन राइट right? ये गई पिस्टन रॉड यहां पर यह कनेक्ट है ये गई पिस्टन रॉड ये जो पिस्टन रॉड है और जो पिस्टन है ये एक ही लिंक है यहां पर ये जुड़ी होती है पिस्टन रॉड यहाँ पर हो गई ये कनेक्टिंग रॉड ये क्या होगी बच्चे ये होगी कनेक्टिंग रॉड और ये हो गई यहाँ पर क्रैंक ये हो गई आप ये होगी क्रैंक और ये एंगल कितना बना रही क्रैंक यहाँ पर थीटा नौ अब आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें आइस इंजन आपने पढ़ा हुआ है आइस इंजन को भी ध्यान में रख सकते हैं बहुत इजीली यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये हाइट मैंने आपको बताई थी यहाँ पर जो इसको बोलेंगे एच एस दिस इज सक्शन हेड और ये एच डी है दिस इज द दि, डिलीवरी हेड अभी मैंने आपको बताया था ये हो गया आपका सक्शन पाइप दिस इज सक्शन पाइप ये हो गया सक्शन पाइप दिस वन और यहां पर आप देख रहे हैं कि भी है दिस इज दस पर आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है यहां पर ये यह हो गया सक्सन बॉल्ब ये हो गया डिलीवरी बॉल्ब यहां पर देखिए ये हो गया डिलीवरी बॉल्ब क्लियर है बात आपको नाउ इसकी वर्किंग समझते हैं जरा इसकी वर्किंग समझते हैं देखिए आईसी इंजन में क्या हो रहा था बच्चे आईसी इंजन में हम जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन थी पिस्टन की मोशन को हम रोटरी uh, मोशन में कन्वर्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए जरा जहाँ पर क्रैंक लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में देखिए ये जो शाफ्ट है ये पंप की शाफ्ट है सॉरी यहाँ पर जो शाफ्ट होगी मोटर की शाफ्ट होगी मोटर की शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो ये क्रैंक क्या होगी रोटेट करेगी इधर की तरफ ध्यान से देखो रोटेट करेगी जब थीटा पहले मान लीजिए जीरो है थीटा जब जीरो होगा तो ये पिस्टन है बच्चे ध्यान से समझें जब ये थीटा की वैल्यू जीरो है तो ये पिस्टन एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पर रहा होगा कहाँ पर रहा होगा एक्सट्रीम लेफ्ट पर रहा होगा अब जैसे ही ये मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी बच्चे तो ये जो क्रैंक है ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी क्रैंक रोटेट करना जैसे स्टार्ट करेगी तो ये कनेक्टिंग रॉड इधर की तरफ इसको खींचेगी पिस्टन को तो ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा बोलो यस और नो ये जब पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा टूवर्ड्स राइट पिस्टन मूव करेगा बच्चे तो ये जो सक्सन बॉल्ब है ये ओपन हो जाएगा ध्यान से सुनो जब ये पिस्टन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये जो सक्शन बॉल्ब है ये ओपन हो जाएगा और डिलीवरी बॉल्ब रहेगा बंद ध्यान से समझना जब ये पिस्टन टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो इनलेट बॉल्ब खुला हुआ है और जो डिलीवरी बॉल्ब है जो डिलीवरी बॉल्ब है ये ये जो डिलीवरी बॉल्ब है ये बंद है तो जैसे जैसे पिस्टन जो है राइट टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो इसके अंदर क्या होगा पानी भर जाएगा इसके अंदर क्या होगा पानी भर जाएगा तो पिस्टन जब यहाँ आ जाएगा एक्सट्रीम राइट पर कहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रीम राइट right पर तो क्या इसके अंदर पूरा पानी भर चुका होगा ये बोलो यस और नो पानी भर के दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें जरा ब्लू कलर का पानी है ना तो जब ये अब मुझे बताइए जरा अब ये पिस्टन जो है यहाँ पर कब आएगा ये पिस्टन ये पिस्टन यहाँ पर कब आएगा जब ये जो क्रैंक है जब 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी बोलो यस और नो जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो ये पिस्टन एक्सट्रीम राइट राइट पर आ चुका होगा और यहाँ पर ये पानी भर चुका होगा सिलेंडर के अंदर बोलो यस और नो इस सिलेंडर के अंदर ये पूरा पूरा पानी भर चुका होगा जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर गई होगी तो यहां पूरा पूरा भर चुका होगा यह पानी जो है सक्सन पाइप के थ्रू सिलेंडर के अंदर आ चुका होगा बोलो यस और नो। सक्सन पाइप के थ्रू सक्सन पाइप के थ्रू सक्सन वॉल्व ओपन रहेगा तो ये पानी इसके अंदर भर चुका होगा सिलेंडर के अंदर ठीक है और क्रैंक वन डिग्री रोटेट कर चुकी होगी नो अब यह पिस्टन क्या होगा ये क्रैंक फिर आगे जो है यहाँ तक तो रोटेट कर चुकी थी वन एट्टी डिग्री फिर रोटेट करेगी वन एटी डिग्री तो ये जो पिस्टन है वो इधर की तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा तो ये वाला जो वॉल्व है कौन सा वॉल्व जो सक्सन वॉल्व है ये हो जाएगा बंद जब पिस्टन लेफ्ट की तरफ चलेगा तो इनलेट वॉल्व यानी कि सक्सन वॉल्व बंद हो जाएगा और डिलीवरी वाला जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और पानी जो है निकल करके इधर चला जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा किसी टैंक के अंदर या जहाँ भी इसको डिस्चार्ज करना था बोलो यस और नो ठीक है एक बार मैं बस इसको रिपीट कर देता हूँ देखो जब ये क्रैंक इस तरह से रोटेट करेगी तो ये पिस्टन राइट टूवर्ड्स राइट जाएगा तो इनलेट बॉल यानी जो सक्शन बॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और जो डिलीवरी बॉल्व है ये बंद रहेगा और जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो पिस्टन यहाँ पर आ चुका होगा इसके अंदर पूरा पूरा पानी भर चुका होगा राइट तो एक स्ट्रोक पूरा हो गया वन डिग्री एक स्ट्रोक यहाँ पर पूरा हो चुका है अब क्या होगा जब ये पिस्टन जब क्रैंक फर्दर रोटेट करेगी आगे यानी कि एक सौ ए घूम चुकी थी अब एक सौ से और घूमेगी तो पिस्टन जो है ये इधर की तरफ जाएगा और इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो पूरा पानी भर गया था वो डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और डिलीवरी पाइप के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पर ठीक so, uh, uh, you know, uh, uh, you know, है सो दिस इज दी दिस इज ऑल अबाउट दी यू नो कॉम्पोनेंट्स ऑफ यू नो रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप ये रेसिप्रोकेटिंग की कंस्ट्रक्शन है रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है चलिए कोई डाउट है इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए सिंपल है आपको ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रेसी प्रोकेटिंग पम्प ये जो रेसी प्रोकेटिंग हमने पढ़ा है अभी रेसी प्रोकेटिंग पम्प ये कितने टाइप्स का हो सकता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हो सकता है डबल एक्टिंग सिलेंडर हो सकता है समझेंगे अभी हम इसको डायग्राम के साथ या फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने सिलेंडर लगे हुए हैं कितने सिलेंडर प्रोवाइडेड हैं अगर एक सिलेंडर है तो सिंगल सिलेंडर पम्प दो सिलेंडर हैं तो डबल सिलेंडर पम्प और तीन सिलेंडर हैं तो ट्रिपल सिलेंडर पम्प समझ लेते हैं यहाँ पर हम सिंगल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग रेसी प्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसी प्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंस है बहुत आसान है डायग्राम को देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा देखो यहां पर देखो ये तो हो गया संप यहां पर तो वाटर भरा हुआ है पूरा ठीक है तो देखो जब ये पिस्टन देखिए सिंगल एक्टिंग का मतलब क्या है सिंगल एक्टिंग का मतलब है जो ये पिस्टन है पिस्टन के केवल एक ही साइड वाटर होगा पिस्टन के केवल एक ही साइड वाटर होगा देखो यहाँ पर वाटर है एक साइड है ना तो अब देखो ये जब ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा टू राइट जाएगा तो इनलेट वॉल्व यानी कि जो सक्सन वॉल्व है ये खुला हुआ है इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या होगा वाटर भर जाएगा और डिलीवरी वॉल्व क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं बंद है डिलीवरी वॉल्व क्लोज है सक्सन वॉल्व ओपन है सक्सन पाइप के थ्रू वाटर सिलेंडर के अंदर पूरा भर जाएगा अब देखो ध्यान से अगले वाले डायग्राम में सिंगल एक्टिंग में ये वाला इधर की तरफ आ जाओ ज़रा अब देखो ये पिस्टन टूवर्स लेफ्ट चल रहा है तो जब टूवर्ड्स लेफ्ट चलेगा तो ये जो बॉल्व है सक्सन वॉल्व ये बंद हो जाएगा और डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा तो ये क्या होगा पानी जो वाटर है ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो जब पिस्टन राइट की तरफ गया तो सक्सन स्ट्रोक हुआ सिलेंडर के अंदर वाटर भर गया और जब ये पिस्टन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इनलेट वॉल्व बंद हो जाता है यानी कि सक्सन वॉल बंद हो जाता है डिलीवरी वॉल ओपन हो जाता है और ये वाटर बाहर निकल जाता है ये वाटर बाहर निकल जाएगा क्लियर है ये बात आपको तो पहले वाला जो स्ट्रोक है इसमें वाटर अंदर आ रहा है और दूसरे वाले स्ट्रोक में वाटर बाहर निकल रहा है तो ये तो हो गया हमारा सिंगल एक्टिंग रेसी प्रोकेटिंग पंप सिंगल एक्टिंग रेसी प्रोकेटिंग पम्प ठीक है क्योंकि जो वाटर था वो पिस्टन के केवल एक ही साइड था अब ध्यान से जरा आप देखें डबल एक्टिंग डबल एक्टिंग का मतलब है बच्चे डबल एक्टिंग का क्या मतलब है कि जब वाटर पिस्टन के दोनों तरफ होगा तो देखिए ये हो गया पिस्टन अब पिस्टन के इस तरफ भी वाटर है और पिस्टन के इस तरफ भी वाटर है यहाँ पर देखो इस तरफ भी वाटर है पिस्टन के और इस तरफ भी वाटर है तो पिस्टन के जब दोनों साइड वाटर होता है तो उसको हम बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर तो यहाँ पर दो डिलीवरी वॉल्व होंगे दो डिलीवरी पाइप होंगे इसी तरह से दो सक्सन वॉल्व और दो सक्सन पाइप होंगे ध्यान से अगर आप देखें जो पहले वाला डायग्राम है इस डायग्राम को देखो लेफ्ट वाले को तो पिस्टन टूवर्ड्स राइट जा रहा है जब पिस्टन टूवर्ड्स राइट की तरफ जा रहा है तो बच्चे ये देखो यहाँ पर इनलेट वॉल्व ओपन है और जो डिलीवरी वॉल्व है ये क्लोज है और इधर की तरफ जो पानी भरा हुआ था टूवर्ड्स राइट ये पानी बाहर निकल रहा है तो जब पिस्टन टूवर्ड्स राइट जाएगा तो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा होगा यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा और यहाँ से पानी अंदर आ रहा होगा ऐसे है ना यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और जब ये पिस्टन लेफ्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ से पानी अंदर आ जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जब पिस्टन टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो यहाँ से पानी निकल रहा है और जब पिस्टन आ रहा है इधर की तरफ लेफ्ट की, तो यहाँ से पानी निकल रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा डबल हो जाएगा डिस्चार्ज यानी कि जब यू नो सक्सन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक दोनों स्ट्रोक में क्या हो रहा होगा आप कह सकते हैं कि वाटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या हो जाएगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा क्लियर है ये बात आपको जब पिस्टन के एक साइड वाटर है तो वो सिंगल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोटिंग पंप है और जब पिस्टन के दोनों साइड में वाटर है तो वो डबल एक्टिंग डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है चलिए सेकेंड लास्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक एक्यूमलेटर ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है किस तरह का कंस्ट्रक्शन है इसका मैं इसको शॉर्ट बता देता हूँ आपको और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को नाइन एट थ्री फोर ज़ीरो एट सेवन थ्री पर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे तो मैं इसका आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ आप इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिएगा ओके नाउ चलिए तो ये आप देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है यहाँ पर देखेंगे ये एक एक फिक्स्ड फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है दिस इज फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर ये क्या है फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है और यहाँ पर एक स्लाइडिंग रैम है ये सिलेंडर के अंदर जो स्लाइडिंग रैम है ये क्या करेगी ये स्लाइड करेगी ये क्या करेगी स्लाइड करेगी स्लाइडिंग रैम फिक्स सिलेंडर के अंदर और एक uh, इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक हैवी वेट रखा हुआ है यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है ये देखिए टर्बाइन इसका जो एक्यूमिलेटर है इसका इनलेट है ये इनलेट है मतलब यहाँ से क्या होगा ये जो इनलेट है यहाँ से क्या होगा लिक्विड जो होगा वो एंटर करेगा पंप के थ्रू पंप के थ्रू यहाँ पर लिक्विड एंटर करेगा और ये इसका आउटलेट है ये इसका आउटलेट है किसका इसका एक्यूमलेटर का आउटलेट है तो ये किस तरह से काम करता है यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये तो हो गया इसका फिक्स सिलेंडर और ये होगी स्लाइडिंग रैम जो स्लाइड करेगी इसके ऊपर यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है ये हो गया इनलेट पंप के थ्रू जो लिक्विड होगा वो एंटर करेगा ये इसका आउटलेट है यहाँ से बाहर निकलेगा अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए लिफ्ट लगी हुई है क्या लगी हुई है बच्चे यहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है <thumbs up> यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करेगी बच्चे ध्यान से समझना ध्यान से समझने की जरूरत है आपने ऑब्जर्व किया है कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है मैं बस ऐसे बना देता हूँ जस्ट समझने के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर यहाँ पर केज होगी जिस पर जो है पैसेंजर्स या कोई सामान रखा होगा ये लिफ्ट क्या करेगी ऊपर जब जाएगी यू नो पैसेंजर को ऊपर ले जाएगी या किसी हैवी वेट को ऊपर ले जाएगी तो ऊपर जाते समय इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बोलो यस और नो जब ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हाई एनर्जी विल भी रिक्वायर्ड लेकिन ये जब ये जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो अब आप ध्यान से समझ रहे हैं इसको तो ये जो एक्यूमलेटर है ये आपका एक्यूमेलेटर है जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमको समझ नहीं है ये जो एक्यूमेलेटर है इसका जो आउटलेट है वो किससे कनेक्ट है लिफ्ट के इनलेट से या लिफ्ट के अलावा कोई और भी मशीन हो सकती है लिफ्ट का इनलेट है ध्यान से समझना जब ये लिफ्ट नीचे आ रही होगी जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी तो उस समय लिफ्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है जब ये लिफ्ट नीचे आ रही होगी लेकिन यहाँ से फिर भी क्या हो रहा होगा यहाँ से कोई लिक्विड जो है अंदर आ रहा होगा तो उस समय जो लिक्विड की एनर्जी होगी वो क्या करेगी इस रैम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगी इस रैम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगी ये रैम ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसके अंदर क्या होगी बच्चे एनर्जी स्टोर हो जाएगी एक्यूमलेटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी कब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक्यूमलेटर के अंदर क्या हो जाएगी एनर्जी स्टोर हो जाएगी एक्यूमलेटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है बच्चे ये क्या करता है एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है जब ये क्या होगा जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो पंप के थ्रू जो एनर्जी होगी यहां पर जो लिक्विड आएगा उस लिक्विड की वजह से यहां पर एक प्रेशर लगेगा और ये स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ चलाए चली जाएगी और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगी और जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस समय क्या करेगा ये एक्ूमलेटर है एनर्जी को सप्लाई कर देगा लिफ्ट के अंदर किसके अंदर लिफ्ट के अंदर जब ऊपर जा रही होगी लिफ्ट जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो ये एक्ूमेलेट लेटर क्या करेगा उस एनर्जी को सप्लाई कर देगा क्योंकि यहाँ पर एक हैवी वेट रखा हुआ है तो जितना ये रैम ऊपर की तरफ जाएगी उतना एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेती है क्लियर रही बात आपको बाकी आप इसकी डिटेल पढ़ लेना तो ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ये अपने अंदर क्या करती है एक प्रेशर एनर्जी को स्टोर कर लेती है जब लिफ्ट नीचे आती है तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेगी और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उस एनर्जी को ये सप्लाई कर देगी क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस समय ये एनर्जी को स्टोर करेगी और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एनर्जी को सप्लाई करेगा ठीक है तो आप इस तरह से ही डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं पी डी एफ आपको इसकी मिल जाएगी नेक्स्ट है बच्चे हाइड्रोलिक लिफ्ट ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ डिवाइस यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर और गुड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और टू रेज द हैवी वेट हैवी वेट को हैवी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए हैवी uh, वेट या हैवी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए काम करता है या पैसेंजर्स को ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर ले जाने का काम करता है सभी जानते हैं लिफ्ट सभी यूज करते ही है, uh, सभी हैं सभी अवेयर हैं लिफ्ट से और ये पास कर लो आप काम करती है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ लास्ट वीडियो में हमने देखा था पास्कल लॉ के बारे में कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और हैवी वेट जो है लिफ्ट कर जाता है तो यू नो पास्कल लॉ की ये ब्यूटी होती है चलिए ये दो तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकते हैं वन इज डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकेंड वन इज दी सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट तो पहले हम डायरेक्ट वाली को देख लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट सिंपल है एकदम तो यहाँ भी क्या हो जाएगा देखो एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है देर इज अ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर ये हो गया एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर इस सिलेंडर के अंदर क्या है एक स्लाइडिंग रैम है ये हो गया आपकी स्लाइडिंग रैम ये क्या होगी बच्चे स्लाइडिंग रैम और स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक केज लगी हुई है केज फिट है एक यहाँ पर केज फिट है केज का मतलब है बच्चे यहाँ पर जहाँ पर हम सामान को रखते हैं किसी गुड को प्लेस करते हैं या फिर आदमी यहाँ पर खड़े रहते हैं केज के अंदर नाउ नो नाउ डियर स्टूडेंट्स अब ये क्या होगा रैम जब ऊपर जाएगी तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर जाना है तो आप यू uh, नो you know, uh, ये रैम क्या होगी ऊपर की तरफ स्लाइड करेगी ऊपर की तरफ स्लाइड कैसे करेगी यहाँ पर पंप के थ्रू क्या आएगा यहाँ से लिक्विड आएगा अंडर प्रेशर जब यहाँ पर लिक्विड uh, अंदर की तरफ आएगा तो ये प्रेशर लगेगा यहाँ पर और ये प्रेशर लगेगा तो ये जो रैम है स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ चली जाएगी आपको ऊपर जाना है तो आप यू you नो know, uh, ये मान लो आपको फिफ्थ फ्लोर पर जाना है तो आप पाँच नंबर वाला बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा इंडिकेशन uh, चला जाएगा वहाँ पर और जो लिक्विड है जो प्रेशर है जो लिक्विड है अंडर प्रेशर वो यहाँ आएगा और ये रैम को ऊपर की तरफ स्लाइड करा देगा ठीक है अब मान लीजिए आपको नीचे आना है फर्स्ट फ्लोर पर तो आप वन बटन प्रेस करेंगे तो यू नो यहाँ से क्या होगा जो लिक्विड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये रैम नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी और आप फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएंगे ठीक है बच्चे क्लियर है ये बात आपको तो इसमें क्या होता है यू uh, नो you know, जो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो लिक्विड अंडर प्रेशर यहाँ पर आएगा स्लाइडिंग रैम ऊपर के ऊपर जाना है तो आपको ये स्लाइडिंग रैम ऊपर रैम स्लाइड कर जाएगी अगर नीचे आना होगा तो स्लाइडिंग रैम नीचे आ जाएगी जब वाटर बाहर निकलेगा जब वाटर अंदर जाएगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगी और जब वाटर बाहर निकलेगा लिफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगी सो दिस इज डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट ठीक है बाकी आप थ्योरी पीडीएफ से आपको मिल जाएगी इसका जो दूसरे वाला टाइप है दैट इज सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है कि यहाँ पर जो केज है ना ये केज यू नो सस्पेंड कर दी गई मतलब लटका दी गई है सस्पेंडेड का मतलब है इसको लटका दिया गया है पुली के थ्रू इस पुली के थ्रू ये, के ये केज है यहाँ पर सामान रखा होगा या फिर यहाँ पर आदमी खड़े होंगे इसको सस्पेंड कर दिया है दो पुली के थ्रू और यहाँ पर देखिए एक वायर रोप है ठीक है और यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली है और यहाँ पर एक मोवेबल पुली है और ये मोवेबल पुली जो है किससे अटैच है यहाँ पर स्लाइडिंग रैम ये रैम क्या करेगी स्लाइड करेगी तो यहाँ पर देखेंगे लिक्विड आएगा इधर से अंडर प्रेशर पंप के थ्रू पंप के थ्रू क्या आएगा लिक्विड आएगा और ये लिक्विड यहाँ पर एक प्रेशर लगाएगा ये लिक्विड क्या करेगा रैम पर प्रेशर लगाएगा ध्यान समझें यहाँ से जो लिक्विड आएगा यहाँ पर एक प्रेशर लगाएगा यहाँ पर इस प्रेशसर की वजह से जो स्लाइडिंग रैम है ये इधर की तरफ स्लाइड करेगी अब क्योंकि जो मूवेबल पुली है इसी से अटैच है तो ये मूवी जो पुली है ये मोवेबल पुल है मूवेबल पुली ब्लॉक जो इधर की तरफ मूव कर जाएगा यानी कि दो पुली के जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी ये पुली जब इधर की तरफ जाएगी तो ये जो रोप है ये भी कनेक्टेड है इससे तो ये रस्सी जो है नीचे की तरफ खींचेगी ये रस्सी जब नीचे की तरफ खींचेगी तो जो तो केज है ये केज ऊपर की तरफ जाएगी यस और नो ये केज़ क्या होगी ऊपर की तरफ जाएगी अब मान लीजिए अगर आपको ऊपर जाना होगा फिफ्थ फ्लोर पे या सिक्स फ्लोर पे जाना होगा तो ये बटन प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पर लिक्विड अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो स्लाइडिंग रैम है ये स्लाइडिंग रैम लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में क्या होगी यू नो you know, स्लाइड करने लग जाएगी फिफ्थ फ्लोर पर जाना है पाँच नंबर का बटन दबाया यहाँ से लिक्विड आएगा इधर प्रेसर लगाएगा स्लाइडिंग रैम इधर की तरफ जाएगी ये जो मोबाइल पुल ब्लॉक इधर जाएगा ये रस्सी नीचे की तरफ खींचेगी तो ये जो सस्पेंडेड केज़ है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और आप ऊपर चले जाएंगे नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपको क्या करना है आपको फिफ्थ फ्लोर से नीचे आना है फर्स्ट फ्लोर पे तो आपने वन बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा यहां से जो लिक्विड इसके अंदर भर गया था ये लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड बाहर निकलेगा तो जो रैम है इधर की तरफ मूव करेगी तो ये पुली भी इधर की तरफ मूव करेगी दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस क्या होगी कम होगी और ये रस्सी ऊपर की तरफ चली जाएगी ये रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये केज क्या होगी नीचे आ जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे तो इस तरह से जो है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है सो माई डियर स्टूडेंट्स रहसे हमारी जो यूनिट नंबर थ्री है ये कंप्लीट हो गई है